नमस्कार विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर और आज हम लोग महा मैराथन शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग धारा 101 से लेकर 140 तक पढ़ेंगे आज हम लोग जिस धारा को पढ़ने वाले हैं जिस अध्याय को पढ़ने वाले हैं ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग मान सकते हैं कि जो चालीस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से आज इस सेशन में से पाँच क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हैं पांच से दस भी आप लोग तैयार कर सकते हैं अगर ये सेशन वाकई में उसने टच किया तो यहां से पाँच से दस क्वेश्चन का जो है स्कोप आपको देके जाएगा इस सेशन को आप लोग अच्छे से लिखिएगा पढ़िएगा सुनिएगा जो भी कर सकते हैं करिएगा लेकिन इस अध्याय को इस सेशन को आज बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा चलिए जो भी विद्यार्थी आज मेरे साथ में बने हुए हैं जल्दी से सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सुमन परियार राज आर एस ओपी नेहा माहेश्वरी अनुराधा शर्मा प्रमोद सैनी अनुपम श्रीकांत मिठू सुमन परिहार सुमन सैनी जय श्री राम नितेश शर्मा एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए एक बार अपनी उपस्थिति आप लोग दर्ज करवा दीजिए रॉबिन उथप्पा रॉबिन उथप्पा कह रहे हैं कि आवाज़ कम है सर जी आवाज कम है वीरा सिंह आप आप जो है अपने मोबाइल की थोड़ी आवाज़ तेज कर लीजिए है ना वीरा सिंह कविता पवन शर्मा राज आर एस ओ पी बिल्कुल आप लोग शेयर कीजिए लक्ष्मी मीणा गुड इवनिंग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए क्योंकि आज हम लोग नौ बजे सेशन को ले रहे हैं क्योंकि दस बजे अगर सेशन को लेते थोड़ा लेट हो जाता लगभग हमको आज चालीस आराएँ कंप्लीट करनी है ठीक है अनुभव गालव हासन भक्ति धाम सुरेंद्र सिंह राव नितेश शर्मा मनोहर लाल कविता नमस्ते आवाज़ ठीक आ रही है बताइए आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है थोड़ी सी आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन की आवाज़ तेज कर लीजिए मेरी आवाज़ भले ही थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि आवाज़ जो है थोड़ी सी कम हो ही जाती है शाम होते होते लग्जरी लाइफ चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग देखने वाले हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है नगर राजस्व धारा एक एक से लेकर एक तक भाई आप लोग कोर्स क्यों नहीं ले रहे हैं मुझे ये बताइए कारण क्या है मैंने यूट्यूब पर आपको बहुत सारा पढ़ा दिया है इसका नतीजा ये गिफ्ट आप लोग मुझे देंगे कि सर कोर्स नहीं लेंगे हम लोग है ना बहुत सारा आप लोग को मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया मतलब दिल खोल के पढ़ाया है आई थिंक ई आर ओ के लिए पार्ट बी को इतना ज्यादा कवर जो है यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं किया होगा जितना मैंने कवर कर दिया है ठीक है लेकिन आ, बहुत कम विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोर्स को प्रेफर किया है सब ने यूट्यूब पर पढ़ पढ़ के जो है काम निकाल लिया है बोला ठीक है चलने दो है ना कौन पैसे लगाएगा खैर कुछ तो अलग मिलेगा ही है ना ठीक है क्योंकि पार्ट ए बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया गया है और 14 मई के एग्जाम में आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देगा ये कोर्स खास तौर पर इसमें आप लोगों को पार्ट ए प्लस बी की टेस्ट सीरीज दी जा रही है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स हैं जो कि आपके टॉपिक को और एनहांस करते हैं ट्रिपल नाइन के अंदर ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है इसके साथ में ही पार्ट ए का कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है जिसमें आप लोगों को भी इसमें भी टेस्ट सीरीज दी जाती है तमाम वीडियो कोर्स के साथ में हमको जो हम जो है आप लोगों को टेस्ट सीरीज देते हैं ठीक है फोर डबल नाइन के अंदर पार्ट बी का जो कोर्स है उसके साथ में भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाती है आप लोग चाहें तो किसी टेस्ट सीरीज को अलग से भी ले सकते हैं जैसे पार्ट ए प्लस बी की टेस्ट सीरीज है आप लोग इसको अलग से ले सकते हैं टू डबल नाइन के अंदर पहले से प्राइस जो है वो डाउन कर दी गई है और इसमें हम लोगों ने अब हर क्वेश्चन के बाद में सोल्यूशन देना शुरू कर दिया है ई वारो टेस्ट सीरीज पार्ट बी के लिए इसमें भी आप लोग को सोल्यूशन मिलता है एक नोट्स की पूरी पी मिलती है वन के अंदर टेस्ट सीरीज है फुल सिलेबस की जो टेस्ट सीरीज है कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं डबल नाइन के अंदर ही देखिए कितने कम प्राइजेज जो है वो हमने टेस्ट सीरीज के लिए कर दिए जबकि क्वेश्चन इसके अंदर आप लोग देखेंगे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो मैंने मैं अपने हाथ से बनाए हैं ताकि क्वेश्चन जो है काफी अच्छे से आप लोग तैयार कर सके ठीक है चलिए ओके टेलीग्राम चैनल आप लोग को ज्वाइन करना है दीपक सर ऑफिशियल और याद रखिए हो सकता है कि आज रात को ही आपको पी मिल जाए हो सकता है कि कल सुबह मॉर्निंग में मैं अनाउंस कर दूं आप लोगों को पीडीएफ जो है वो मिलने वाली है ठीक है चलिए शुरू करें शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहीं से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं अध्याय सात में लिखा हुआ है धारा एक एक से लेकर 140 तक नगर पालिका राजस्व क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है बेसिक क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो वो यहां से भी बन सकता है कि नगर पालिका राजस्व का उल्लेख किस धाराओं के अंदर किया गया है धारा 101 से लेकर 140 तक

सर आवाज नहीं आ रही है अच्छा आवाज तो आ रही है भाई आवाज आनी चाहिए आवाज आ रही है नितिन शर्मा भरत मीणा ओके इतना तो याद हो गया आगे चलते हम लोग बहुत बढ़िया इतना याद कर लीजिए आप लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहले धारा 101 को हम लोग देखते हैं धारा 101 जिसमें लिखा हुआ है नगर पालिका का आंतरिक राजस्व आंतरिक राजस्व मतलब आप लोगों ने पहले धारा 79 के अंदर एक निधि पड़ी होगी जिसको हम लोग कहते नगर पालिका निधि नगर पालिका निधि के बारे में, में आखिरकार पैसा कहां से आता है नगर पालिका निधि के अंदर जो पैसा आता है देखिए कहां से आता है नगर पालिका के द्वारा वसूल किए गए जो टैक्सेस होते हैं कर जो है वहां से पैसा आता है नगर पालिका सेवाओं की व्यवस्था के लिए उपयुक्त राशि कई बार आप लोग देखते हैं कि नगर पालिका एक अलग से कोई व्यवस्थाएँ जो है वहाँ पर लगाती है उसके लिए फीस वसूल करती है आप ले आप लोगों से ठीक है विनियामक और अन्य कानूनी कर्तव्यों के अनुपालन के लिए फीस और जुर्माना कई बार आप लोग देखते हैं कि नगर पालिका अधिनियम दो उसका उल्लंघन अगर किसी व्यक्ति ने किया है उसके ऊपर जुर्माना जो है लगाया जाता है वो भी जुर्माना जो है वो नगर निधि में आके जमा हो जाता है तो नगर क्षेत्र के अंदर जो भी टैक्स लगाए जाते हैं नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो भी फीस ली जाती है राशि ली जाती है सेवाओं के बदले जैसे आप लोग देखते हैं 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 कि जो है बने हुए है, तो बने हुए हुए तो तो सरकार सेवाएं दे रही है उसके बदले में आपसे दस रुपए ले जाते हैं कि आप लोग जाके जो है वहां पर अपना जो निवृत्त हो सकते हैं तो उसके लिए आप लोगों से सेवाएं देने के बदले आपसे फीस ली जा रही है तो ये पैसा जो है वो सीधा नगर निधि में जमा हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं नगर पालिका का आंतरिक राजस्व सबसे पहले तो आप लोग को धारा पता होनी चाहिए कि धारा 101 में क्या है नगर पालिका का आंतरिक राजस्व देखिए आप लोग आवाज कम होती जा रही है।, आवाज मेरी ही कम हो आवाज हो सकता है कि मेरी ही कम हो मेरी ही कम हो सकती है आवाज एक सेकेंड फिर रुकी मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ आवाज को ज्यादा ही अगर कम लग रही है तो चलिए अब बताइए देखिए आप थोड़ा सा ठीक जो है वो आप लोगों को लग रहा होगा बताइए अब आवाज़ कैसी है ठीक है सुनो 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 आवाज़ बहुत कम आ रही है सर वॉल्यूम इंक्रीज़ करो आवाज़ ज़्यादा ही कम आ रही है क्या आवाज़ लो आ रही है आवाज़ भी सही आ रही है सर ठीक है अब अगर आवाज़ कम आए तो फिर बताइएगा है ना थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है देखिए तो ये आपको धारा याद होनी चाहिए कि नगर पालिका का आंतरिक राजस्व जो है उसका उल्लेख धारा 101 में किया गया है पैसा कहाँ से आएगा जो टैक्स वसूल किए गए हैं जो भी राशि सेवाओं के बदले जो पैसा लिया जाता है वहाँ से टैक्स आएगा ठीक है चलिए अब देखिए अब हम लोग देखते हैं बाध्यकारी दे कर अच्छा ठीक आ रही है अब ओके अब देखिए धारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आज आप लोग को संशोधन करवाए थे है ना आज मैंने आप लोगों को संशोधन करवाए थे बेसिकली उसमें बस आप लोगों को ये देखना है कि बाध्यकारी करों की लिस्ट जो है उसको और बढ़ा दिया गया है बस इतना है आज मैंने जो आप लोगों को संशोधन वाला वीडियो करवाया है उसमें बस धारा 102 के अंदर चेंज ये करवाया गया है कि कुछ एक टैक्सेस जो है वो और इसमें इंक्लूड कर दिए गए जैसे हॉस्पिटलिटी के हैं ठीक है इसके साथ में कुछ होटल्स हैं स्पा वगैरह हैं उनको भी जो है उनके ऊपर टैक्सेस वगैरह अप्लाई करना उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है तो देखिए क्या कहता है राज्य सरकार पत्र में अधिसूचित करके नगर पालिका को कर की दर तथा निश्चित तारीख से वसूल करने का निर्देश दे सकती है तो ध्यान रखिए राज्य सरकार किसी भी कर, को, किसी भी कर, को कर की दर मतलब कितना प्रतिशत वो रहेगा आखिरकार दो प्रतिशत रहेगा तीन प्रतिशत रहेगा और वो कर कब से लगेगा इसकी निश्चित तारीख भाई कब से वसूल किया जाएगा इसकी डेट निर्धारित करने की शक्ति किसके पास में है राज्य सरकार के पास में है नगर पालिका सीमाओं के भीतर भूमियों व भवनों पर कर नगर पालिका सीमा के भीतर अगर कोई लैंड है कोई अगर मान लीजिए को, वहां पर जो है वो टैक्स लिया जाएगा वो बाध्यकारी कर होता है किसी भी कार्य के व्यापार पर आजीविका या रोजगार पर कर वो भी बाध्यकारी कर है, मतलब कंपलसरी टैक्स है लिया ही लिया जाएगा ये तो नगर पालिका के भीतर उद्योग जो पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत हैं उन पर प्रदूषण कर सार्वजनिक वह निजी भवन पर विज्ञापन कर ध्यान रखना विज्ञापन कर भी इसमें होता है पर्यावरण प्रदूषण के जो स्रोत हैं उन पर प्रदूषण कर भी इसके अंदर होता है ठीक है फिर अन्य अन्य कर जिसे भारत के संविधान के अधीन अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति हो मतलब कोई अन्य कर भी ले सकते हैं अगर राज्य सरकार कोई कर जो है वो आर, आरोपित जो है वो करता है ठीक है अधिरोपित करता है तो वो भी क्या कर सकता है इसके अंदर टैक्स जो है वो ले सकता है ठीक है अच्छा आगे देखिए नगर द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध पर कर की दर में परिवर्तन व समाप्त करने की आज्ञा ले सकती है जिसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध पर कर की दर में परिवर्तन व समाप्त करने की आज्ञा ले सकती है भाई कर की दर का निर्धारण कौन करती है कर की दर ठीक है कर की दर बेसिकली राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होती है जैसे आप लोग देखते हैं कि राज्य सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त कर रखा है कर निर्धारक अधिकारी वो इस चीज को डिसाइड करता है लेकिन आखिरकार है तो राज्य सरकार का ही तो राज्य सरकार जो है वो उस कर की दर को निर्धारित करती है ठीक है जो कर की दर निर्धारित की गई है उसमें चेंज करने की शक्ति नगर पालिका राज्य सरकार से अनुरोध करेगी कि माई बाप कर दें इसको कम या चेंज कर दे बढ़ा दे इसके लिए राज्य सरकार से अनुरोध की जो है अनुरोध पर कर की दर में परिवर्तन व समाप्त करने की आज्ञा ले सकती है जिसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा मतलब जो गवर्नमेंट का गजट है उसके अंदर इसको प्रकाशित किया जाएगा फिर देखिए नगर पालिका की परिवर्तनशील स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार करों की दर में परिवर्तन कर सकती है ठीक है भाई हर नगर पालिका अलग अलग होती है हर नगर पालिका कोई गरीब नगर पालिका है कोई अमीर नगर पालिका है किसी के पास में पैसा कम आता है किसी के पास में पैसा ज्यादा आता है तो प्रत्येक नगर पालिका के लिए या सभी नगर पालिकाओं के लिए राज्य सरकार कर की दर में जो है वो परिवर्तन कर सकती है ठीक है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है नेक्स्ट देखिए आप लोग धारा धारा अब 103 क्या है अन्य अधिरोपित कर धारा धारा क्या कह कह रही रही है रही है कि अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकते हैं मतलब 102 में तो लिखा हुआ है कि वो कंपलसरी होंगे ही होंगे और धारा 103 में लिखा हुआ है कि अगर किया जाए तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि अप्लाई किया ही किया जाए देखिए क्या कहता है राज्य सरकार के आदेश के अधीन नगर पालिका संपूर्ण क्षेत्र में या फिर किसी भाग में कर का अधिरोपण कर सकती है तो पहले तो यही बात यहां से सीख लीजिए धारा 103 के तहत नगर पालिका चाहे तो संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में या फिर किसी एक भाग के अंदर भी उस कर को लगा सकती है ठीक है जो कि अन्य करों में आता है कौन कौन से कर हैं वो नगर पालिका के भीतर चलाए जाने वाले वाहनों पर कर वाहनों पर कर नगर पालिका के भीतर बोट नौका पर कर लगाया जाता है रोशनी या पानी लगेगा वहां पर, पर कचरा हो जाएगा सबको साफ सफाई कराने के लिए पैसा लगता है तो सभाओं पर टैक्स ले लेंगे हम लोग है ना फिर तीर्थयात्री हैं या पर्यटक हैं उन पर टैक्स लगाएंगे भाई आप कहीं घूमने जा रहे हैं किसी पर्यटक स्थल पर तो पर्यटक स्थल पर आप ऐसा तो है नहीं कि हाथ जो है वो बिल्कुल हाथ बांध के फिर घूमते रहेंगे आप वहाँ पे चिप्स खाते हैं चिप्स खाते हैं तो फिर वहाँ पे गंदगी होगी गंदगी की सफाई कौन करेगा है ना गंदगी की सफाई जो है वो आखिरकार कौन करेगा इसके लिए म्यूनिसपैलिटी वहाँ पर कर्मचारी नियुक्त करती है और उनकी सैलरी जो है वो इस कर से जाती है समझिए आप लोग तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों पर कर विज्ञापन के लिए काम में ली गई संपत्ति पर कर अब विज्ञापन आप लोग करेंगे आप लोग देखते हैं रोडों पर आप लोग जाते हैं तो हाईवे के राइट साइड लेफ्ट साइड बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं अब वो जो बड़े बड़े बैनर लगे हैं वो किसी खेत में या किसी दूसरे मकान पर वो बैनर लगे हुए रहते हैं अब वहां पर क्या लिया जाएगा उनसे टैक्स लिया जाएगा अभी आपने विज्ञापन करवाया है तो हम विज्ञापन टैक्स जो है वो आप लोगों से लेंगे लेकिन किस पर उस संपत्ति पर लिया जाएगा ठीक है चलिए फिर अग्निकर स्टाम्प ड्यूटी इसको याद कर लेना ये आ चुका है एग्जाम में इसलिए मैंने इसको थोड़ा ग्रीन कर दिया है एग्जाम में आ चुका है स्टाम्प शुल्क जो है वो किस में आता है अन्य कर में आता है ना कि कंपलसरी टैक्सेस में इसको आप लोग याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीक है चलिए ओके ओके, ओके देखिए गैर आवासीय भवनों पर पार्किंग टैक्स पार्किंग टैक्स जो है वो भी अन्य कर में आता है गैर आवासीय मतलब गैर आवाज जहां पर रह नहीं सकते रह नहीं सकते तो कमर्शियल यूज का होगा मतलब कोई व्यवसायिक जो है प्रक्रिया वहां पर हो रही है तो फिर वहां पर पार्किंग टैक्स लिया जाएगा जैसे मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और रेलवे स्टेशन क्या है नॉन रेजिडेंशियल है वो तो वहां पर पार्किंग आप लोग खड़ी करते हैं गाड़ियां वहां पर टैक्स लगता है उनका ठीक है कोई भी कर जिसे अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार को संविधान में निहित है तो संविधान के तहत भी आप लोग टैक्स का कलेक्शन कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए अब धारा 104 पे चलेंगे धारा 104 की जो हेडिंग है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए पहले आप इसको इसको छोड़ दीजिए एक बार इसको छोड़ दीजिए पहले यहाँ पे पढ़िए उपयोगता प्रभार यानी कि यूजर चार्जेस यूजर चार्जेस लगाने की शक्ति और इनको अगर हम लोग कंबाइंड करें तो यूजर चार्जेस को हम लोग लेवी यूजर चार्जेस कहते हैं तो इसको आप लोग पूरा ऐसे पढ़िए लेवी पावर टू लेवी यूजर चार्जेस है ना लेवी यूजर चार्जेस धारा एक में है देखिए क्या है अच्छा लेवी चार्जेस होते क्या हैं कोई भी सुविधा आपको दी जा रही है उस सुविधा के बदले जो आपसे टैक्स लिया जाएगा सुविधा के बदले जो टैक्स लेते हैं उसको हम लोग इस कैटेगरी के अंदर जो है वो काउंट करते हैं ठीक है देखिए क्या है सबसे पहले जल निकास और मल वहन की व्यवस्था जिस समय की जाएगी मतलब जो व्यवस्था की जाएगी उसके लिए आपसे यूजर चार्जेस ली जाएंगे आप इन सुविधाओं का प्रयोग करेंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है वाहन की पार्किंग सार्वजनिक मार्ग का इस्तेमाल अन्य नागरिक सेवाओं के लिए जो है वो क्या लिया जाएगा आपसे लेवी यूजर चार्जेस लिया जाएगा जो सुविधा सरकार दे रही है नगर पालिका दे रही है उसके बदले जो है वो आपसे क्या लिया जाएगा चार्ज लिया जाएगा राज्य सरकार के निर्देश पर अन्य चार्ज नगर पालिका द्वारा लगाए जा सकते हैं ठीक है चलिए बहुत अच्छा अब सबसे पहले आप लोग चार धाराओं को कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजिए धारा एक सौ एक सौ और एक जल्दी से कमेंट करके बताइए चार धाराएं कमेंट सेक्शन में सबकी दिखनी चाहिए जल्दी सर आवाज नहीं आ रही है अच्छा इतनी कम भी नहीं है आवाज वॉल्यूम डाउन हो रही है मुकेश यादव चेक कर लेते कि देखेंट करके बढ़िया आ, आ रही है अच्छा इतनी कम भी नहीं है आवाज ठीक है भाई चलिए चार धाराएं आपको पता होनी चाहिए एक आंतरिक राजस्व 102 सौ दो बाध्यकारी कर एक अन्य कर एक यूजर चार्जेज लेवी यूजर चार्जेज वेरी गुड ठीक है आगे बढ़ते हैं धारा 105 की तरफ फीस व जुर्माना वसूल करने की शक्ति आप लोग देखते हैं कई धाराओं के अंदर जुर्माना जो है उल्लेखित है दो हजार रुपए का एक हजार रुपए का है ना पांच हजार रुपए बीस हजार रुपए दस हजार रुपए लाखों तक जो है जुर्माना निर्धारित किया गया है अब वो जो जुर्माना निर्धारित किया जाएगा उसके बारे में उल्लेख है कि धारा एक सौ पांच कहती है कि फीस व जुर्माना वसूल करने की शक्ति नगर पालिका को विधियों तथा उपविधियों के अधीन रहते हुए ठीक है कोई भी विधि बनाई गई है उप विधि बनाई गई है उसके अधीन रहते हुए फीस व जुर्माना वसूल करने की शक्ति प्राप्त है कौन कौन सी देखिए भवन योजना की मंजूरी और पूर्ण किए जाने के प्रमाण पत्र की फीस वसूलने की शक्ति सबसे पहले आप लोग कोई मकान बनाते हैं मकान बनाने से पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है उस नक्शे की ठीक है फिर पूर्ण किए जाने के प्रमाण पत्र जब वो मकान बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको फीस जो है वहां पर जमा करानी पड़ती है आप लोग देखते हैं कि जो है अर्बन डेवलपमेंट टैक्स के अंदर वो काउंट हो जाती है फिर देखिए भूमियों या भवनों के विभिन्न गैर आवासीय उपयोग के लिए नगर पालिका द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज आप लोग करते हैं उसके लिए नगर पालिका लाइसेंस जारी करती है और आपसे टैक्स यानी कि फीस जो है वो लेती है ये फीस की बात है जैसे नलकूप लगाते हैं आप लोग बोरिंग वगैरह बिना पूछे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाटर लेवल को देखना पड़ेगा और जब भी आप मान लीजिए कि डार्क जोन के अंदर कोई कुआ वगैरह बोरिंग वगैरह खोद रहे हैं आप लोग तो आपको वहाँ पर फीस देनी पड़ेगी मांस मछलियाँ या मुर्गों के उत्पाद के विक्रय पर ठीक है मतलब ये जो है जैसे मांस है मछलियाँ हैं मुर्गों के जितने भी उत्पाद होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं है ना उनके विक्रय पर भी आपको फीस जो है वो देनी पड़ेगी विज्ञापन के लिए उपयोग में ली जाने वाली संपत्ति पर भी आपसे फीस ले सकते हैं कोई ज़रूरी टैक्स के अंदर ही हो ये फीस भी हो सकती है पशु व पशु गाड़ियों पर फीस वसूलने की शक्ति कुछ पशु गाड़ियाँ होती हैं है ना उन पर भी फीस वसूलने की शक्ति जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की फीस वसूलने की शक्ति आप लोग देखते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है डेथ सर्टिफिकेट वगैरह ये सब इसके लिए भी फीस वसूली जाती है चलिए धारा एक देखिए विकास प्रभार वसूलने की शक्ति मतलब डेवलपमेंट चार्जेज इसको हम लोग क्या कहेंगे विकास प्रभार डेवलपमेंट चार्जेज है ना डेवलपमेंट चार्जेस ठीक है तो यूजर चार्जेस बोले तो धारा एक सौ चार में चले जाना है डेवलपमेंट चार्जेस बोले तो आपको धारा एक सौ छह में आ जाना है नगर पालिका चौदह मीटर से अधिक ऊंचे आवासीय या गैर आवासीय भवन या मार्ग या मार्ग का मार्ग का उपयोग की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उससे चार्ज वसूल करेगी चार्ज कौन सा विकास यानी कि डेवलपमेंट टैक्स जो है डेवलपमेंट चार्ज जो है उसे वसूल किया जाएगा तो चौदह मीटर ऊंचे मीटर से ऊंचे अगर कोई आवासीय है या गैर आवासीय कोई भवन है उनसे क्या जाएगा यहाँ पर? क्या जाएगा? क्या वसूला 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 जाएगा 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 पर चार्ज जो है वसूल किया जाएगा विकास प्रभार ओके फिर देखिए ऐसा कोई भी विकास प्रभार अनुमोदित योजना का अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा मतलब अग्रिम रूप से एडवांस में जमा कर लिया जाएगा ठीक है जो भी विकास प्रभार है डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसको एडवांस में ही जमा कर लेंगे विकास योजना का अनुमोदन या पुनर्विकास के लिए विकास चार्ज वसूलना ठीक है विकास योजना का कोई भी डेवलपमेंट योजना है जैसे अब आप, आप लोग कहते हैं कि जैसे को रेजिडेंशियल पूरा का पूरा जो है वहाँ पर प्लॉट्स वगैरह कट रहे हैं तो वहां पर भी आप लोगों को डेवलपमेंट जो है वो चार्जेस देने पड़ते हैं ठीक है थेके? ओके आगे देखिए इजी है नगर पालिका ऐसे विकास प्रभार का एक पृथक लेखा रखेगी और उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं लगाएगी मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी विकास प्रभार डेवलपमेंट चार्जेस वसूल किए जाएंगे इसको एक अलग ही इसको एक अलग ही जो है वो अकाउंट रखा जाएगा और इसको हम लोग और कहीं पर इस्तेमाल नहीं करेंगे केवल और केवल विकास के अंदर ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है यार वॉल्यूम ठीक आनी चाहिए कैसे रही है मेरे पास ठीक आ रही वॉल्यूम मेरे पास वॉल्यूम बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है यहां पर चलिए ठीक है ओके देखिए विकास प्रभार वसूलने की शक्ति तो ये हो जाएगा आगे देखिए तो देखिए कोई भी अगर विकास प्रभार वसूला जाएगा डेवलपमेंट वसूला जाएगा तो और खर्च कहां विकास के अंदर ही खर्च किया जाएगा आगे आप लोग। सब अब देखिए छूट आज मैंने आप लोगों मैंने संशोधन के अंदर करवाया है कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं भूतपूर्व सैनिक हैं उनको करारोपण से छूट दी जाएगी तो आप लोग अगर मान तो लीजिए नगर, नगर पालिका तभी कर को टैक्स को वसूल कर सकती है जब उन करों का उल्लेख दो और तीन में किया गया है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की भूमि व भवन या अन्य संपत्ति पर नगर के द्वारा कर नहीं लिया जाएगा देखिए कहते हैं कि जंगल में रहकर शेर से बैर नहीं करना चाहिए नगर पालिका जिस क्षेत्र में है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार की भूमि है तो अगर उनसे टैक्स ले लेंगे तो बहुत समस्या पैदा हो सकती है इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो संपत्ति है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेगी फिर देखिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पूर्व लगाए गए कर नगर पालिका द्वारा वसूल किए जा सकेंगे अगर कोई टैक्स ऐसा है जो कि 26 जनवरी जो है 1950 से पहले लगाया गया है चाहे फिर वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो उस पर नगर पालिका जो है वो टैक्स वसूल कर सकती है इसका मतलब ये है ठीक है ओके ठीक है चलिए आगे देखिए धारा 102 में, धारा में में लिखित कर ऐसी भूमियों या भवनों के संबंध में नहीं लिया जाएगा जिनका उपयोग सार्वजनिक पूजा स्थलों के रूप में किया जा रहा है और नगर पालिका से मान्यता प्राप्त है अब ये बहुत अच्छी बात है इसको याद कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई पूजा स्थल है टेम्पल वगैरह होते हैं वहां से कोई भी कर वसूल नहीं किया जाएगा इसके अंदर ही आप लोग उपधारा जो चार देख रहे हैं इस उपधारा चार के अंदर आप लोग एक उपधारा और जोड़ लीजिए उपधारा पांच नई जुड़ी है उपधारा पांच जो है वो नई जुड़ी है जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं लिख लीजिए आप लोग भूतपूर्व सैनिकों को आवासीय भवनों में करारोपण से छूट है करारोपण से छूट प्राप्त है है ना लिख लीजिएगा इसको ये नई ऐड हुई है ठीक है आज मैंने संशोधन के अंदर करवा दिया था इसको ओके चलिए बहुत अच्छी बात है तो जितने भी पूजा स्थल हैं उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा रट लीजिए इन लाइनों को एग्जाम में जब ये स्टेटमेंट बन के आएंगी तो आपके वहां पर तीतर उड़ेंगे अभी भी कह देता हूँ तीतर उड़ जाएंगे मैं वाकई में कह देता हूँ आप लोग जो पार्ट बी को जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं बनाएगी आर पी एस इतनी बेवकूफ़ नहीं है आर पी एस आर एस के लेवल का एग्जाम ले रही है वो घुमाएगी विद्यार्थी को विद्यार्थी सोच के आएगा कि धारा रट लो और मजे करो स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए एक एक स्टेटमेंट आपका रटा हुआ होना चाहिए धाराएं याद करना हर कोई कर लेगा लेकिन उसके अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ हो और उसको सही टाइम पर पहचानना हो ये आपके लिए बहुत जो है वो टास्क रहेगा और ये कैसे हो पाएगा सबसे पहले वो सुनिए आप नोट्स को डेली रिवाइज किया करो मैं अभी भी कह रहा हूं आपके पास में जो नोट्स शॉर्ट नोट जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं उनको आप लोग डेली रिवाइज किया करो धारा एक से है तीन तक आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाया करो चाहे दो घंटे क्यों ना लगे इसीलिए आप लोग ये मत समझना कि पेपर बड़ा इजी आएगा ज्यादा टफ भी नहीं आएगा मॉडरेट आएगा 40 में से ये मान के चलिए कि 15 प्रश्न बिल्कुल इजी आएंगे 15 प्रश्न मॉडरेट आएंगे और जो बाकी बीस प्रश्न है वो थोड़े टफ आएंगे है ना हर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हल्के लेना दुश्मन को कभी नहीं तो नुकसान हो सकता है राज्य सरकार जो आवश्यक समझे राजपत्र में आदेश के द्वारा कर में छूट प्रकाशित कर सकती है उसका नतीजा ये है है ना कि भूतपूर्व सैनिकों को क्या दे दी गई है छूट दे दी गई है ओके वेरी गुड धारा 108 देखिए अब धारा 108 जो है वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि जो हमने धारा 101 से लेकर 107 तक पढ़ा है उसका निचोड़ है ये ठीक है मतलब एक सौ एक धारा जो है ये हो सकता है कि एग्जाम में आएगी आपके समझिए इसको कर अधिरोपण करने की प्रक्रिया ठीक है कर अधिरोपण करने की प्रारंभिक प्रक्रिया अच्छा सबसे पहले तो देखिए कि धारा 103 के अंदर जो अन्य कर लिखे हुए थे उनमें से कोई एक टैक्स अप्लाई करना चाहती है नगर पालिका नगर पालिका सोचेगी यार हम कैसे इसको अप्लाई करें तो वो नगर पालिका एक्ट को पड़ेगी और धारा सामने निकल के आएगी एक सौ आठ है ना एक सौ शुरू करते हैं तो कर अधिरोपण करने से पूर्व अधिका की प्रक्रिया क्या होगी सबसे पहले बोलेगी ठीक है है साधारण बैठक जो है, जब वो बुलाई जाएगी तो हम लोग इसका निर्धारण करेंगे साधारण बैठक कब होती है एक वर्ष में कितनी बैठकें छह बैठकें और दो माह में एक बैठक तो जब भी साधारण बैठक होगी वहां पर सबसे पहले संकल्प पारित करेंगे संकल्प

कितने समय तक वसूल किया जाना है इसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनेगा ड्राफ्ट बनने के बाद नियम निर्धारित किए जाएंगे नियम मतलब जो मैंने अभी आप लोग को बताए हैं वो नियमों के अंतर्गत ही गिने जाएंगे फिर देखिए फिर वो संकल्प पारित हो जाएगा संकल्प जो पारित होगा प्रथम अनुसूची के अनुरूप एक नोटिस के साथ उसको प्रकाशित करना होगा अब देखिए संकल्प पारित कर दिया हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग एक टैक्स अप्लाई करेंगे धारा धारा 103 103 के के तहत तहत है ना सॉरी से में ये हमने संकल्प पारित कर लिया है अब देखिए जो संकल्प पारित हुआ है उसको प्रथम अनुसूची के अनुरूप तैयार करेंगे लिखेंगे लिखेंगे उसको 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 है है ना ना नोटिस की तरह लिखित में में करके और उसको गजट में प्रकाशित कर देंगे ये लो संभालो अब इसको है ना? ओके फिर एक माह तक भाई प्रकाशित हो चुका है सभी लोग न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे उसको कि देखिए कौन, कौन सा टैक्स लगा रहे हैं तो लिखा हुआ आता है माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से नगर पालिका के अंदर फलाना ढिमका टैक्स जो है वो लगाया जाएगा आज के बाद में आप अगर यूट्यूब को इस्तेमाल करेंगे तो एक घंटे यूट्यूब को इस्तेमाल करने का आपसे सौ रुपये चार्ज लिया जाएगा तो ये तमाम यूट्यूब क्लासेस बंद हो जाएंगी है ना <laughs> तो यूट्यूब को मान लीजिए इस्तेमाल करने के लिए टैक्स आता है तो फिर क्या किया जाएगा आपसे आपत्ति मांगी जाएगी आपको कहा जाएगा कि अगर आपको आपत्ति है तो एक महीने में आपत्ति दर्ज कराओ और आपत्ति लगाने के लिए सबसे पहले कौन पहुंच जाएगा सारे के सारे स्टूडेंट पहुंच जाएंगे बोला हम तो यूट्यूब पर क्लास लेते हैं आप एक घंटे क्लास लेने के सौ रुपये हम पे चार्ज लगा देंगे तो क्या ही होगा हमारा है ना क्योंकि गुरु भी हमसे फीस ले लेते हैं बोला टेस्ट सीरीज खरीदो है ना फलाना कोर्स खरीदो वो हमसे पैसे ले लेंगे उधर नगर ले लेगी तो फिर खाएंगे क्या समझ रहे हैं आप लोग चलिए तो यहां पर एक माह तक आपसे आपत्ति मांगी जाएंगी और आप लोग ढेर सारी आपत्तियाँ दे देंगे आपत्ति पर विचार के लिए एक फिर समिति बनाएगी नगर पालिका बोलेगी ठीक है हम विचार करते हैं एक समिति इस पर गठित करते हैं ओके चलिए आगे देखिए धारा एक अब समिति जैसा बोलेगी फिर वैसा उस पर रिकमेंडेशन करके उसको लागू कर दिया जाएगा बोलो समझ में आ गया है धारा एक नहीं लकी जाट धारा एक से नहीं लेंगे वो तो बाध्यकारी है वो तो कंपलसरी लगेगा ही लगेगा उसमें धारा एक का कोई रोल ही नहीं है वो तो हमेशा नगर बनते ही टैक्स लगना शुरू हो जाते हैं जैसे कोई नगर नई नगर पालिका बनी है ना तो फिर टैक्स लगाना शुरू हो जाएगा बात तो है 103 और ध्यान रखिए कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी नगर पालिका से ही ले नगर पालिका के किसी भाग से भी ले सकते हैं बोलिए क्लियर है बोलिए समझ में आ गया तो थम्सअप करके बताइए समझ में आ गया है तो थम्सअप करके बताइए तो थम कि यस सर समझ में आ चुका है और सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ओके बोलिए सर ऐसा कहकर मत डराओ पिछले पेपर में मुझे इतने कठिन नहीं लगे नहीं पढ़ने वालों को कठिन नहीं लगते जो नहीं पढ़ते उन्हें लगते हैं कठिन ओम गुप्ता वेरी गुड हाँ पढ़िए फिर घबराइए मत मैं घबरा नहीं आपको मैं डराना नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करें बस ठीक है ओके वेरी गुड सुनते रहिए आराम से मस्त ओके अब देखिए कर का अधिरोपण ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए धारा 108 के अधीन धारा 108 के अधीन कर अधिरोपण नियत तिथि से अधिसूचना के द्वारा अधिरोपित किया जाएगा मनोहर लाल मोहित गुजर मिठू संजना परमार संजना परमार के नहीं आया <laughs> अच्छा समझ में तो आ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही यार अब आवाज को क्या हो गया भाई आवाज आनी चाहिए यार आ, क्या बात हो गई आवाज कैसे नहीं आ रही है आवाज़ कहीं नहीं आ रही है भैया अच्छा आवाज़ आनी चाहिए रोजना तो आती है आप लोग बोल रहे हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रही है चेक कर लेते हैं क्यों आवाज़ नहीं आवत है मॉडर्न मॉडी परेशान हो रहे हैं हमार मॉडर्न मॉडी परेशान हो रहे हैं यार आवाज़ ठीक है इधर से तो बिल्कुल क्लियर है है ना यहाँ से तो मुझे जो है आवाज़ बिल्कुल ठीक लग रही है अब बताइए हेलो 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 बताइए आवाज ठीक है क्या आवाज ठीक आ रही है अब तो हाँ अच्छा हा मॉडर्न मॉडी परेशान मत करो भाई अब ठीक है क्या माइक पास में अब ठीक है अब बताइए अब आवाज ठीक है क्या कुछ कुरापात मैंने की है मैं कुरापाती इंसान हूं ठीक है क्लास चलने देते हैं ओके अब देखिए धारा 108 समझिए धारा 109 समझिए कर का अधिरोपण धारा 108 में हमने डिसाइड कर लिया कि हम जो है कर लेंगे धारा 108 में डिसाइड कर लिया है कर अधिरोपण नियत तिथि से अधिसूचना के द्वारा अधिरोपित किया जाएगा ओके अधिरोपित जो है अधिरोपित किया जाएगा ठीक है ओके फिर देखिए वार्षिक रूप से लिए जाने वाले करों के लिए प्रावधान क्या है देखिए सबसे पहले तो कर जो है वो हमेशा वार्षिक रूप से लिया जाएगा अगर कोई कर लिया जाएगा तो वो एक अप्रैल एक जुलाई एक अक्टूबर और एक जनवरी के अलावा कर किसी अन्य तारीख पर लागू नहीं होगा मतलब अगर कर आपने 108 की प्रक्रिया अपना ली है तो आपके पास में चार डेट है एक अप्रैल एक जुलाई एक अक्टूबर एक जनवरी ठीक है ओके ठीक है तो ये डेट्स हमारे पास में इसके अलावा कोई भी डेट आपके पास में नहीं है यदि एक अप्रैल से किसी अन्य तारीख पर प्रभावी होता है तो उसके बाद एक अप्रैल तक तीन मासिक लिया जाएगा और एक अप्रैल के बाद वार्षिक लिया जाएगा ये डेट जो है पहले आप लोग इसको याद कर लीजिए कैसे सबसे पहले एक अप्रैल की डेट याद कर लीजिए है ना एक अप्रैल से तीन महीने बाद एक जुलाई तीन महीने बाद एक अक्टूबर तीन महीने बाद एक जनवरी ये तो ठीक हो गया अच्छा भाई हमने ये कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग एक अप्रैल से ही टैक्स लेना शुरू करेंगे बोला सर ये मान लीजिए कि एक अक्टूबर को कोई नया कर लगा दिया है बोला कोई बात नहीं नया कर लगाया तो क्या हुआ हम लोग इंतजार करेंगे एक अप्रैल की डेट का और एक अप्रैल की डेट होने में कितना समय बाकी है अक्टूबर से नवंबर नवंबर से दिसंबर दिसंबर से जनवरी ठीक है तो यहां पर देखिए सबसे पहले अक्टूबर के बाद में तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी है ना सबसे पहले तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे फिर फरवरी मार्च और अप्रैल ये तीन महीने ये हो जाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि हम लोग उसको त्रैमासिक मासिक करते हुए कैसे त्रैमासिक करते हुए करते हुए हम लोग उसको वसूल करेंगे जब तक कि एक अप्रैल की डेट नहीं आ जाती है और जैसे ही एक अप्रैल की डेट आएगी फिर हम लोग उसको वार्षिक लेना शुरू कर देंगे फिर हम लोग उसको कैसे लाना शुरू कर देंगे वार्षिक लेना शुरू कर देंगे बोलो क्लियर है इतना आगे देखिए नगर पालिका किसी कर को विशेष कालावधि के लिए लागू कर सकती है जो समय पर समाप्त होने पर भी समाप्त हो जाएगा देखिए नगर पालिका अगर चाहे तो किसी कर को एक महीने दो महीने एक साल दो साल पांच साल दस साल के लिए लगा सकती है है ना कितने भी समय के लिए वो लगा सकती है और वो समय अवधि समाप्त होने के बाद वो क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कर भी समाप्त हो जाएगा ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको आगे देखिए धारा एक करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ये जो आज हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए क्वेश्चन ये है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है कि क्या अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई कर जो है वो एक अगस्त को लगाया गया है कोई कर एक अगस्त दो को लगाया गया है तो आप लोग ये बताइए एक अगस्त 2022 को लगाया गया है तो आप लोग ये बताइए वो कितनी बार कितनी बार त्रैमासिक वसूल किया जाएगा कितनी बार त्रैमासिक वसूल किया जाएगा कितनी बार त्रैमासिक वसूल किया जाएगा बताइए कमेंट सेक्शन में कोई कर अगर एक अगस्त दो को लगाया गया है तो वो अब तक है ना मतलब मतलब कितनी बार त्रैमासिक वसूल होगा बताइए अनु यादव अनुपम श्रीकांत उषा वर्मा कैप्टन मनीष सोनी मिठ्ठू दीपिका शर्मा बोलिए तीन टाइम अनुभव गालव एंटरप्रेन्योर तीन नितीश शर्मा मुकेश यादव राज आर एस ओ पी अनुराधा शर्मा तीन बार कितनी बार त्रैमासिक ले सकते हैं सुरेंद्र सिंह राव उषा वर्मा विनय चौहान तीन बार तीन बार बहुत अच्छा बहुत अच्छा कविता के रही दो बार बहुत बढ़िया मतलब इसको कहते हैं पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा वेरी गुड मतलब आप लोगों ने जो है बहुत अच्छी तैयारी कर ली है वेरी गुड ऐसे ही चलते रहिए आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं वेरी गुड नवीन शर्मा आपको सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं चौदह मई का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं है ना क्यों अरे पहले डेट तो देख लो डेट इस डेट को कोई नया टैक्स अप्लाई नहीं हो सकता है यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर ही क्वेश्चन खत्म हो गया इस डेट को टैक्स अप्लाई नहीं हो सकता है मैंने क्या बताया डेट तो आपके पास में केवल चार ही है एक अप्रैल एक जुलाई एक अक्टूबर एक जनवरी बोलो ठीक है चलिए तो अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को बहुत बहुत है ना मैं गुलदस्ता लेके आऊंगा आप लोगों के पास में ठीक है चलिए फिर देखिए धारा एक में क्या लिखा हुआ है करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या होगी तो पहले तो कर लगाने की प्रक्रिया धारा 108 में अब कर को परिवर्तन करने की प्रक्रिया धारा 110 में यह शब्द जोड़ दिया गया है परिवर्तन परिवर्तन वाला 110 में है ना और फिर जैसे 108 हम लोग लिखते थे अब उसमें क्या कर दिया है ये जीरो उठाकर बाद में कर दिया है है ना यानी कि 110 मान लीजिए आप तो दो धारा बाद में याद हो जाएगा वैसे भी धारा एक के अधीन किसी कर में परिवर्तन या समाप्त करने की प्रक्रिया वही होगी जो धारा एक में 108 में और 109 के अधीन अधिरोपित की गई थी ठीक है तो 109 में क्या था कर अधिरोपण की प्रक्रिया सॉरी क्या था यार 109 में कर अधिरोपण कर 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 का का अधिरोपण 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 ठीक है है था ओके और 108 में क्या है? कर की प्रक्रिया तो जो कर अधिरोपण निर्धारित किया गया है उसको फिर अधिरोपित किया जाएगा एक धारा एक में उसको परिवर्तन कर सकते हैं ठीक है चलिए बोलिए और किसी भी कर को परिवर्तन करने के लिए धारा 108 का सहारा लिया जाएगा ओके वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट देखिए धारा एक देखिए कर को स्थगित समाप्त या परिवर्तन करने की सरकार की शक्ति कर को स्थगित कर दिया है कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया कि नहीं कोरोना काल में कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा ये डिसाइड किया गया है कि कोरोना काल के अंदर कोई भी जो है वो टैक्स नहीं लिया जाएगा आप लोग ध्यान दीजिए बातों में आपका दिमाग क्या है कि टाइपिंग पे चल जाएगा फिर है ना आपका ध्यान जो है वो टाइपिंग पर चला जाएगा और आप लोग जो धारा में पढ़ा रहा हूँ उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजो कोई भी कर है उसको स्थगित करना समाप्त करना परिवर्तन करने की सरकार की शक्ति है कह रहा है स्थगित या समाप्त या परिवर्तन करने की शर्तें क्या है राज्य सरकार को शिकायत किए जाने पर सबसे पहले राज्य सरकार के पास में शिकायतें पहुंच चुकी है कि भाई सर अभी कोरोना काल है हम लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे कम करो इसको कम कर दिया या बंद कर दिया कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है ठीक है अनुचित है ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं आप लोग जो दो प्रतिशत टैक्स ले रहे हो यह बहुत ज्यादा है है ना कम करो इसको अनुचित है ये ओके जनसाधारण के प्रतिकूल होने पर अगर ये तीनों चीज इसके अंदर है तो टैक्स को हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं समाप्त भी कर सकते हैं क्या प्रक्रिया होगी प्रक्रिया सुनिए अब क्या प्रक्रिया होगी राज्य सरकार नगर पालिका को निश्चित अवधि में समाधान के लिए निर्देश देगी फिर भी समाधान ना होने पर राज्य सरकार नोटिस जारी करके उस कर को निश्चित समय के लिए स्थगित कर सकती है पहले तो राज्य सरकार नगर पालिका कह देगी कि भाई इसको कैंसिल करो या कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दो नगर पालिका कि हम तो नहीं करेंगे मैं तो क्यों नहीं करा थामा तो जोर लगा लियो है ना बोलते हैं ऐसे ही भाई देखते हैं कितना जोर है ठीक है आ जाना मैदान में तो नगर पालिका बोल दी गई इस राज्य सरकार को राज्य सरकार क्या बोलेगी बोले ठीक बोले है मैं ही कर देती हूँ मेरे पास में पावर है तो नगर से ऊपर सुप्रीम बैठी हुई है राज्य सरकार वो इसको चेंज कर देगी ठीक है स्थगित कर देगी इसको ओके धारा एक देखिए कर को स्थगित यह समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति भाई पहली तो बात यह है कि क्या राज्य सरकार के पास में ही शक्ति है नगर पालिका के पास में नहीं है अगर वो पूछे कि कर को स्थगित और समाप्त करने की राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में उल्लेखित तो धारा के अंदर और एक में है कर को स्थगित और समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति दोनों को आप लोग को एक साथ याद करना है याद कर लेंगे बोलिए याद कर लेंगे ठीक है धारा 103 के अधीन अधिरोपित कर को विशेष आदेशों के अधीन नगर पालिका द्वारा स्थगित या समाप्त किया जा सकता है कारण होगा लोक हित के विरुद्ध तो हम लोग ये कह सकते हैं यहां से कॉन्क्लूजन यह निकल के आ गया कि राज्य सरकार और नगर पालिका दोनों ही टैक्स को स्थगित सस्पेंड भी कर सकती है और समाप्त भी कर सकती है यहां से हमारा ये कॉन्क्लूजन निकल के आ गया पहली बात दूसरी बात राज्य सरकार उसको सस्पेंड कब कर रही थी टैक्स को जब उसके पास में शिकायतें पहुंच रही थी उसको यह लगता था कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि अनुचित है वही बहुत गलत है तब वो जाकर जो है चेंज कर रही थी उसको स्थगित कर रही थी लेकिन यहां पर नगर पालिका स्वयं संज्ञान ले सकती है क्या लग रहा है कि लोकहित के विरुद्ध हो रहा है वो तो गलत है चेंज करना पड़ेगा इसको है ना जैसे अभी राइट टू हेल्थ बिल है स्टेट गवर्नमेंट ने लिया ही है वापस तो फिर क्या हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा लोकहित के विरुद्ध एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को छोटा सा देना चाहूंगा हरियाणा गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा हरियाणा गवर्नमेंट एक बिल लेकर आती है हरियाणा गवर्नमेंट एक बिल लेके आती है कि जो भी एम स्टूडेंट है बताइए पहली बात तो मुझे ये बताना कि हरियाणा गवर्नमेंट ने सही किया कि गलत किया था हरियाणा गवर्नमेंट ये कहती है कि जितने भी एम करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी कॉलेज से एम करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से एम करते हैं तो हरियाणा कॉलेज ने ये कहा कि अगर सरकारी कॉलेज से आप लोग एम कर रहे हो तो हम आपसे फीस कम लेते हैं क्या लेते हैं फीस कम लेते हैं भाई इसका रिटर्न भी तो हमको मिलना चाहिए इसका रिटर्न भी तो मिलना चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम आपसे फीस कम लेते हैं इसीलिए आप लोग क्या किया करो कि जैसे आप लोग एमबीबीएस करके आए तो सात साल तक आपको सरकार में सेवा देनी पड़ेगी सरकार में सेवा देनी पड़ेगी है ना ये उनको एक नोटिस के जरिए कह दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने

क्या दे दो पांच साल ही सेवा दे दो और अगर सेवा देना नहीं चाहो तो हमको तीस लाख रुपए जमा करा दो तीस लाख रुपए जमा करा दो पहले ये रकम लाख थी बाद में करके इसको लाख कर दिया कि ठीक है पांच साल सेवा दे दो अगर नहीं देना चाहते तो तीस लाख जमा करा दो पहले क्या था सात साल सेवा दे दो नहीं देना चाहते चालीस लाख जमा करा दो बताइए हरियाणा गवर्नमेंट सही थी कि गलत थी है ना वैसे ये भी है कि कोई भी टैक्स है अगर वो लोक हित के विरुद्ध है तो फिर नगरपालिका उसको वापस ले सकती है स्थगित कर सकती है ठीक है चलिए अब देखिए धारा कर 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 का का निर्धारण निर्धारण और और निर्धारकों निर्धारकों की निर्धारकों की नियुक्ति नियुक्ति ये जो अधिकारी है ना कर निर्धारक इसकी नियुक्ति कौन करेगा राज्य सरकार नियुक्ति करेगी निर्धारण कैसे किया जाएगा कर निर्धारकों द्वारा राज्य सरकार के अधीन भाई राज्य सर, राज सरकार से पूछेंगे राज्य सरकार से पूछेंगे भाई कितना टैक्स लगाएं ठीक है राज्य सरकार इस व्यक्ति को बताएगी कर निर्धारक को भाई इतना टैक्स लग जाना चाहिए है ना ठीक है चलिए ओके अब बढ़ते हैं हम लोग धारा की तरफ हम लोग आज धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते जाइए और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व इसको जो है जितना भी मैं आप लोग को थ्योरी बता रहा हूं आप लोग इसको अच्छे से करते जाइए आगे देखिए धारा एक सौ चौदह क्या कहती है निश्चित जानकारी देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम कौन से निश्चित जानकारी जानकारी देने वाला कौन है भूमि या भवन का मालिक या अधिभोगी ठीक है भाई जानकारी देने वाला कौन है वो मालिक है भूमि या भवन का और जानकारी मांगने वाला कौन है कर निर्धारक अधिकारी ठीक है बाध्य होगा किस चीज की सूचना देने के लिए संपूर्ण विवरण देने के लिए वो बाध्य होगा धारा 120 के अधीन कर की जानकारी देने के लिए वो बाध्य होगा कि भाई आप कौन कौन से टैक्स देते हैं बताइए आपका इनकम कितनी है सब कुछ जो है संपूर्ण विवरण जानकारी लेने का अधिकार कर निर्धारक को है किससे भूमिया भवन के मालिक से यदि वह सूचना या विवरण देने में विफल रहता है तो कर निर्धारक उस भवन या भूमि पर स्विवेक के अनुसार ये ध्यान रखना इसके अनुसार स्व के अनुसार कर का निर्धारण करेगा इस लाइन को रट लेना स्व के अनुसार कर का निर्धारण करेगा ठीक है ओके आगे देखिए धारा 115 धारा 115 संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता भाई धारा चौदह याद हुई बड़ी इंपॉर्टेंट थी धारा चौदह वन वन फोर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी <laughs> राजल कह रही है कि सर ये सेक्शन पढ़ पढ़ के परेशान हो गई अब पेपर अच्छा नहीं हुआ तो ये तो जो शब्द है ना ये इंसान को घुमाता रहता है गोल 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 आगे देखिए संशोधन की प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता जब कोई भूमि या भवन का निर्माण पूर्ण होने या उसके अधिभोग करने की तारीख जो भी पहले हो उससे एक माह के भीतर नगर पालिका को सूचित करेगा भाई आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम मकान बनाएंगे बनाइए साहब मकान कितने दूर में बनाएंगे है ना उसकी पूरी सूचना जो है वो आपको देनी पड़ेगी बोला नहीं देंगे बोला ठीक है कोई बात नहीं हम आपको थोड़ा समय और देते हैं तो आप चाहे मकान बना लीजिए या फिर उसको अधिभोग मतलब उसका काम में लेने वाला कई बार होता है कि मकान पूरा तैयार नहीं करते हैं उससे पहले हम लोग उसको काम में लेने, लेने लग जाते हैं तो मकान आपने बनाया है या फिर अधिभोग करने लग गए हैं जो भी तारीख पहले हो उसके माह के भीतर भीतर आपको को तमाम सूचनाएं देनी पड़ेगी क्योंकि आपको हाउस टैक्स जमा कराना है वहां पे अगर कोई व्यक्ति इसकी सूचना देने में विफल रहता है तो अधिकतम 500 या उस संपत्ति पर लगाया गया कर का 10 गुना जो भी अधिक हो नगर पालिका अधिरोपित करेगी ठीक है तो या तो उस पर पांच सौ रुपए जुर्माना या उस संपत्ति पर लगाया गया कर उस संपत्ति पर जो टैक्स लगाया गया है उसका दस गुना जो है वसूल करेगी समझिए आप लोग भाई जानकारी देनी पड़ेगी आपको ठीक है नेक्स्ट देखिए धारा एक सौ सो सोलह धारा एक सौ सो सोलह धारा एक सौ सोलह देखिए क्या है भवन व भूमि पर देने वाला भवन व वा भूमि पर कर देने वाला क्या देने वाला कर भवन व भूमि पर कर देने वाला व्यक्ति यदि परिवर्तित होता है तो इसकी सूचना नगर पालिका को देगा समझ गए आप लोग भवन या भूमि पर कर देने वाला व्यक्ति अगर परिवर्तित होता है पहले पिताजी टैक्स दे रहे थे अब कौन दे रहे हैं पुत्र टैक्स दे रहा है ठीक है तो भूमि पर कर देने वाला व्यक्ति यदि परिवर्तित होता है तो इसकी सूचना नगर को देनी होगी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी वारिस की सूचना लिखित में नगर को देनी होगी कैसे देनी होगी लिखित के अंदर देनी होगी बड़ी है धारा सोलह ओके चलिए अब देखिए धारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा धारा एक सौ सत्रह है धारा एक सौ सत्रह है धारा एक सौ सत्रह है ओके देखिए धारा 116 के तहत दी जाने वाली सूचना अनुसूची दो अनुसूची तीन के अधीन होगी समस्त विशिष्ट या स्पष्ट समस्त जो सूचना है वो विशिष्ट या स्पष्ट तौर पर और सही सही कथन किया जाएगा ठीक है जो भी सूचना है समस्त सूचना है ना समस्त सूचना जो है स्पष्ट तौर पर आपको दी जानी चाहिए ठीक है सूचना का प्रारूप नगर पालिका को सूचना प्राप्त होने पर सूचना की प्रति नगर पालिका में जमा करानी होगी ये क्या चीज लिखी हुई है अनुसूची दो और तीन क्या है दो और तीन क्या है देखिए मान लीजिए कि पिताजी के बाद में पुत्र जो है है टैक्स जमा करा रहा व्यक्ति बदल चुका है अब इसकी सूचना जो है वो देनी पड़ेगी को अब ऐसा तो है नहीं कि कागज उठाया है ना कागज लिया उस पे लिख दिया कि फलाना व्यक्ति जो है मेरे पिताजी थे उनकी मृत्यु हुई और अब मैं जो है टैक्स चुकाऊंगा इससे काम नहीं चलेगा आपको पूरा एक परफॉर्मा जो है वो देना पड़ेगा मतलब एक फॉर्म होता है बेसिकली एक फॉर्म होता है ऑलरेडी नगर पालिका के अंदर मिलता है उस फॉर्म को लीजिए भर के जमा करा दीजिए वो जो फॉर्म है ना उसका जो प्रारूप है वही अनुसूची कहलाती है अनुसूची दो और तीन के अंदर उस फॉर्म का एक पूरा पूरा का पुरा प्रारूप दिया हुआ है ठीक है चलिए तो सूचना का प्रारूप क्या है धारा सत्रह के अंदर है आगे देखिए धारा एक हस्तांतरित व्यक्ति के नाम का रजिस्ट्री नगर पालिका में किया जाना ठीक है जो भी व्यक्ति अब ट्रांसफर हो चुका है टैक्स देने वाला व्यक्ति अगर चेंज हो चुका है इसकी जानकारी मतलब रजिस्टर उसको नगर पालिका में किया जाएगा नगर पालिका जांच के पश्चात ऐसी सूचना तथा व्यक्ति के नाम को रजिस्टर में प्रतिस्थापित कर देगी इजी है ये तो धारा एक सौ अट्ठारह जो है वो बड़ी इजी है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए धारा दार एक सौ उन्नीस धारा एक सौ उन्नीस देखिए बोलिए क्लियर है भूमि या भवन स्वामी का नाम परिवर्तित नहीं होने की सूचना में करों का दायित्व तो बना रहना अब देखिए या भवन स्वामी का नाम परिवर्तित नहीं किया गया है पहले तो हम लोग क्या कह रहे थे कि भाई जो भी व्यक्ति है वो अपना नाम चेंज कराए मान लीजिए नहीं कराया गया है तो अब क्या होगा अब क्या होगा जो मूल व्यक्ति था उसी से टैक्स लिया जाएगा जिसका नाम दर्ज है पहले से से उसी टैक्स लिया जाएगा क्या कह रहा है अगर नगर पालिका को सूचना दिए बिना हक का अंतरण होता है मतलब नगर पालिका को सूचना नहीं दी है और संपत्ति जो है बेटे ने अपने नाम करा ली है ठीक है इसकी सूचना नगर पालिका में नहीं दी है तो पूर्व में रजिस्टर व्यक्ति पर ही कर दाय होगा जब तक की इसकी सूचना ना की जाए जो पहले से टैक्स देता आया था मतलब फिर पिताजी से टैक्स लेंगे अब आप लोग बोलेंगे यार पिताजी जो है शांत हो चुके हैं वो कैसे टैक्स टैक्स देंगे तो बोले फिर आपने सूचना इसकी में क्यों नहीं दी है ना फिर आपके ऊपर वो जुर्माना लगाएंगे सूचना छिपाने के तहत ठीक है ओके क्लियर है नेक्स्ट देखिए धारा एक धारा एक क्या कहती है कर मूलतः किससे उदग्रहण होगा अच्छा आगे बढ़े उससे पहले मुझे आप लोग धारा एक समझा दीजिए बताइए धारा एक में क्या लिखा हुआ है बताइए देखे तो कितना आप लोगों को याद है धारा एक बताइए क्या है धारा एक बताइए धारा एक बताइए धारा एक बताइए क्या लिखा हुआ है धारा एक के अंदर भाई आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए ठीक है बोलिए धारा एक सो बोलिए धारा एक सो बोलिए धारा एक बोलिए सो बोलिए देखते हैं किस किस का आंसर आता है धारा एक सो बताइए भवन में भूमि की सूचना प्रयोग देना बिल्कुल हाँ बिल्कुल मिठ्ठू शर्मा जी बहुत अच्छा कैप्टन साहब आप सब विद्यार्थी जो है पलट कर देखने लग गए अपने अपने नोट्स है ना कि देखिए क्या था आखिरकार देखे तो सही सर ने पूछ लिया है ठीक है एक सौ सोलह याद कर लीजिए ठीक है वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा एक सौ सोलह जो है आप लोग याद कर लीजिए अनुरधा शर्मा अनुपम श्रीकांत मुकेश यादव भोली देवी रॉबिन उथप्पा ठीक है चलिए ठीक है धारा एक देखिए अब बहुत बढ़िया रजनी सोनगरा हाँ इंसान परिवर्तित होने की सूचना वेरी गुड संदीप सिंह शेखावत कह रहे हैं आ, एक सौ तो सोलह भूमि भवन में पर्यटन करने की सूचना नगर पालिका को देना बिल्कुल ठीक है नितेश शर्मा पवन उषा वर्मा बहुत अच्छा चलिए कर मूलतः किससे उदगरण होगा देखिए जिस पर कर निर्धारण किया गया है उससे लिया जाएगा मतलब जिसका नाम रजिस्टर है उससे लिया जाएगा अगर संपत्ति पट्टे पर दी गई है तो पट्टा धारक से लिया जाएगा संपत्ति पट्टे पर नहीं दी गई है तो उस व्यक्ति से जिसे पट्टा देने का अधिकार है मतलब मान लीजिए कि आपने पट्टे पर दे दिया है लीज पर दे दिया है तो हम लोग लीज वाले से लेंगे भाई किराए पे दिया गया है तो किराया उसी से वसूल करेंगे तो बेसिकली टैक्स भी उसी से लिया जाएगा जो संपत्ति का यूज कर रहा है ठीक है अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर आप जो है जो संपत्ति जो जो है टैक्स देने का अधिकारी है जो पट्टा देने का अधिकारी है उससे क्या लिया जाएगा वो टैक्स लिया जाएगा धारा एक मैं कह रहा हूं रट लेना इसको कहता हूं मैं इसको रट लेना है ना रट लेना कैसे रटेंगे रटने का तरीका होता है जैसे हम लोग को हनुमान चालीसा कैसे याद है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी से तो उजागर कैसे याद है हम लोग को हमने बार बार पढ़ा उसको है ना हमने उसको बार बार पढ़ा तब जाके याद हुआ है जैसे गाना है कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता लग था जैसे मेरी सारी दुनिया में मे की, तो की रंग है ना ये क्या है कि गाना पूरा पूरा जो है वो मुझे याद है लेकिन कैसे हुआ ये बार बार उसको रिपीट किया कॉलेज टाइम पर तो आज भी जो है वो बहुत सारे लव्ज इसके याद है तो रट लेना इस धारा को धारा एक को क्या है कराधान से संबंधित अपीलें सबसे पहले देखिए राजस्थान नगर पालिका चतुर्थ संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया और लागू होने की डेट है 18 मई 2017 18 मई 2017 को धारा 121 में जो है वो परिवर्तन किया गया था हो जाएगा देखिए अपील का कारण सबसे पहले ये सुनिए सबसे पहले सुनिए अब हम लोगों ने धारा 101 से लेकर धारा 110 तक हम लोगों ने सर पूरा सुना दो अभी समय नहीं है बाद में हम लोगों ने धारा 101 से लेकर 110 तक जो है टैक्सेस के बारे में पढ़ा है मान लीजिए कि आपको टैक्स पसंद नहीं है बोला हमको तो पसंद नहीं है हमने राज्य सरकार से भी बहुत शिकायतें कर दी वो तो ना तो इसको समाप्त कर रही है ना इसको स्थगित कर रही है अब आपकी सुनवाई कोई करी नहीं रहा है आप क्या करेंगे याचिका लगाएंगे है ना सबसे अंतिम हथियार ठीक है अब याचिका कहां लगाई जाएगी इसके विरुद्ध उसके बारे में उल्लेख धारा एक में किया गया है अपील का कारण है कि कर निर्धारण तथा कर परिवर्तन के विरुद्ध अपील नगर निगम में करेंगे आयुक्त को नगर परिषद में उप को नगर पालिका बोर्ड में उप को देखिए स्थानीय निकाय का क्षेत्रीय अधिकारी अब देखिए क्या लिखा हुआ है स्थानीय निकाय का क्षेत्रीय अधिकारी अब देखिए ये तमाम आप लोग जो देख रहे हैं नगर निगम में आयुक्त नगर परिषद में उप निदेशक नगर पालिका बोर्ड में उप निदेशक ये सभी जो है वो अपनी अपनी नगर परिषद के अंदर है अपने अपने नगर पालिका बोर्ड के हैं है ना उस तरीके से जिसके पास में जो अधिकार क्षेत्र है बोलो हो जाएगा ओके चलिए आगे देखेंगे धारा एक सौ बाईस बबीता कुमारी मैंने वैसे शेयर कर दिया था कि क्लास जो है आज नौ बजे से लगेगी है ना ओके ठीक है ठीक है चलिए धारा तो एक करार ओपन से है ना करार ओपन के प्रति जो है अपील हैं याद हो जाएगा आगे देखिए धारा एक सौ देखिए परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्ण निक्षेप है ना अपील सुनवाई के लिए प्रावधान सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या है मतलब ये कहना चाह रहा है कि परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्ण निक्षेप निक्षेप मतलब उसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या है कि अपील जो की गई थी पहले धारा एक के तहत उसकी सुनवाई के लिए क्या प्रावधान है वो सुनिए कोई भी अपील तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक कि अपील 30 दिन के भीतर नहीं कर दी गई हो अपील करने की अवधि है 30 दिन के भीतर भीतर आपको अपील करना पड़ेगा आवेदक ने दावाकृत रकम का 25% पालिका कार्यालय में जमाना करा दिया गया हो है ना ये क्या है प्रिमली डिपॉजिट ऑफ टैक्स आपके ऊपर जो कर लगाया जाता है आप पहले उस कर को जमा कराइए मतलब पहले खुद फॉल्टी मत बनिए खुद आप डिफॉल्ट जो है वो कहला रहे हैं तो आप आपने अगर टैक्स जमा नहीं कराया है तो पहले आप कम से कम 25 परसेंट अपना टैक्स जमा करा दीजिए आपका इतना टैक्स जमा हो जाना चाहिए भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपने कभी टैक्स जमा नहीं कराया है तो फिर आप अपील नहीं कर पाएंगे पहले टैक्स जमा कराइए आप अपना ठीक है मतलब ये भी एक तरीका हो गया फिर तीस दिन के अंदर आप लोग अपील कर सकते हैं ठीक है किसकी जो भी टैक्स लगाया गया है ओके उसके खिलाफ अब देखिए राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम हजार के द्वारा प्रतिस्थापित फिर लिखा हुआ है के 2017 के द्वारा प्रतिस्थापित ये 2017 है 17 के द्वारा प्रतिस्थापित 27 मार्च 2017 को ये क्या हुआ था प्रतिस्थापित हुआ था मतलब 2017 के अंदर संशोधन हुआ था इसकी लागू होने की डेट अलग है पहले हम लोग अठारह मई देखा यहां पर ये यह 27 मार्च को जो है अप्लाई हो चुका है यहां पर आप लोग देखिए 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील की जाएगी ट्वेंटी फाइव परसेंट नगर पालिका कार्यालय में आपको दावाकृत रकम जो है वो जमा करवानी पड़ेगी ठीक है ओके आगे देखिए धारा 123 123 ओके आरती शर्मा बिल्कुल गुड इवनिंग क्लास कब से चल रही है क्लास मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था भाई क्लास जो है नौ बजे से चल रही है धारा 122 देखिए अब 122 क्या कहती है खर्चे किसके खर्चे हमारे तुम्हारे या किसके खर्चे बिल्कुल अपने ही खर्चे हैं देखिए प्रत्येक अपील में खर्चे दिलाना अपील का विषय करने वाले अधिकारी का विवेकाधीन होगा देखिए प्रत्येक अपील में अपील कौन कर रहा है व्यक्ति कर रहा है अपील करने वाला कौन है व्यक्ति है नगर पालिका में रहने वाला व्यक्ति है अपील में खर्चे दिलाना खर्चे दिलाना अपील का विषय करने वाले अधिकारी मतलब उस अपील को कौन देख रहा है है ना अपील की सुनवाई करने वाला कौन है जो सुनवाई करने वाला अधिकारी है उसकी विवेकाधीन होगा कि उस व्यक्ति को कितना खर्चा दिया जाएगा क्यों वो व्यक्ति परेशान हुआ है उसकी हो सकता है कि टैक्स लगने से कोई हानि उसकी हुई हो कोई परेशानी उसको हुई हो ज्यादा टैक्स उसने जमा करा दिया उसकी संपत्ति में कोई नुकसान हुआ हो इस तरीके से खर्चा दिया जाएगा समस्त नगर के तहत वसूल, वसूले होंगे देखिए समस्त खर्चे नगर पालिका अधिनियम के तहत जो है वसूले वसूल वसूल नहीं होंगे ऐसे होगा ये देखिए यदि नगर पालिका अपील करने वाले व्यक्ति को तीस दिन में खर्चे देने में असफल रहती है तो खर्चे दिलाने वाला अधिकारी नगर पालिका निधि में से खर्चा दिलाएगा समझ गए ना आप लोग तीस दिन में फलाना व्यक्ति को जिसने अपील की उसको खर्चा देना पड़ेगा नहीं दिया है तो जो सीएमओ होता है या अधिकारी होता है वो क्या करता है उसको खर्चा नगर निधि में से दे देता है ओके चलिए धारा एक देखिए अब मैं पानी पे लेता हूं एक बार धारा एक देखिए सेशन को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं सोचते हैं सब्सक्राइब के बारे में बोलो ठीक है चाय पी लो सर सरता शर्मा कह रही सर चाय पी लो चलिए ठीक है धारा सिर्फ चौबीस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता क्या होती है वो सुनिए देखिए यहां पर दो लिखा हुआ है ना सिविल लिखा हुआ है और दांडिक लिखा हुआ है ये दोनों अलग अलग होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट अलग अलग होते हैं वैसे ये भी है तो ये तो कौन सा होता है ये तो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये होता है सेशन कोर्ट इसको तो हम लोग कहते हैं जिला न्यायालय और ये होता है सत्र न्यायालय के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जिसको हम लोग कर निर्धारक कहते हैं उसने किया था तो कर निर्धारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रश्नगत नहीं किया सकता कि टैक्स क्यों लगाया था कर का मूल्यांकन कर का मूल्यांकन निर्धारण समाप्त करने के लिए निर्णय के मामले में अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा अब अपील प्राधिकारी कौन था नगर निगम में में तो था आयुक्त नगर परिषद जो है उपनिदेशक और बोर्ड में भी उप उसने जो फैसला दे दिया वो उसका अंतिम फैसला होगा तो उसका जो आदेश है अपील प्राधिकारी का वो उसका आदेश अंतिम होगा तो आप लोग याद रखिए अपील प्राधिकारी कौन कौन कहां कहां पर है अपील अपील अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय को 30 दिन के भीतर भीतर पुनरावलोकन कराया जा सकता है भाई उसने अंतिम आदेश जो है दे दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट अंतिम आदेश दे देती है लेकिन वापस से उस निर्णय को रिव्यू भी किया जाता है अब तीस दिन के अंदर उसको रिव्यू भी कर सकते हैं ठीक है तीस दिन में उसको रिव्यू भी कर सकते हैं ओके वेरी गुड यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो अगर कोई भी दिन वगैरह आ रहे हैं तो आप लोग को वहां पर पता होना चाहिए नेक्स्ट देखिए धारा एक व्यावर्ती या बचाव या सेविंग इसको इंग्लिश में लिखा गया है सेविंग्स क्या लिखा गया है सेविंग्स जो है वो लिखा गया है बोलिए कोई भी कर निर्धारण सूची या अन्य सूची नोटिस तथा बिल के संदर्भ में कोई मानवीय भूल त्रुटि जैसे नाम में कोई हो गया निवास स्थान में आदि में होने पर अविधिमान्य नहीं होगा करों का उदरण संपत्ति का हक जो है वो नहीं समझा जाएगा ये दोनों लाइनें अलग अलग हैं पहले तो पहली वाली लाइन को समझिए ये कहना चाह रहा है अंकल जी कि मान लीजिए कि कोई भी कर निर्धारण किया जा रहा है कर निर्धारण करते वक्त कोई भी नाम में अगर मिस्टेक हो जाती है किसी के भी नाम में कोई अधिकारी है कोई व्यक्ति है उसके नाम में कैसी भी त्रुटि अगर उस परफॉर्मर के अंदर है तो फिर ऐसा अगर हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे अविधिमान्य उसको नहीं करेंगे हम लोग है ना उसको अप्रूव कर देंगे त्रुटि में सुधार हो सकता है यह समझ कर देखिए करो का उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा समझ रहे आप लोग करो का उद्ग्रहण कौन करता है पहले तो समझिए करों का उद्ग्रहण करता कौन है नगर पालिका नगर पालिका करती है तो नगर पालिका कर का उद्ग्रहण करेगी तो यह नहीं समझेगी कि वह संपत्ति नगर पालिका की ही है वह नगर जो संपत्ति है वह फलाना व्यक्ति की ही है ठीक है बोलिए हाँ हाँ अरे एक सेकेंड रुकिए में सुनिए मेरी बात सुनिए इधर सुनिए मेरी बात अंकिता जोशी बिल्कुल धारा एक सौ चौबीस में मैंने चेंज कराया था आपको है ना धारा एक सौ चौबीस में मैंने चेंज कराया था अनुराधा शर्मा बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूँ बिल्कुल मैं आ रहा हूँ मैंने धारा एक सौ चौबीस में चेंज करा दिया था क्या चेंज कराया था कि ये जो तीस दिन है इसकी जगह तीन माह है ना तीस दिन की जगह तीन माह नोट्स में थोड़ा मिसप्रिंट था मैंने आपको करवा दिया है इसके अंदर है ना आप इसको चेंज करना मुझे याद भी था पहले कि मुझे चेंज करवाना है इसको लेकिन अभी चेंज करवाते वक्त ही जो है मैं भूल गया ठीक है ठीक है ओके मैं भूल गया अभी मुझे बोलना था ये दिमाग से निकल गया तीन महीने आप लोगों को करना है ओके माफी चाहता हूं मैं नेक्स्ट देखिए बोलिए क्लियर है मैंने आपको शायद नोट्स में करवा दिया था तीस दिन की जगह तीन महीने कर लेना आप लोग ठीक है अच्छा ओके okay, देखिए अब इतना हो गया है अब देखिए नगर पालिका संपत्ति का, का उदग्रहण करती है उसको संपत्ति का हक हाँ नहीं समझेगा नगर पालिका की संपत्ति है आगे देखिए दायित्व प्रकट करने की बाध्यता ये क्या चीज है दायित्व प्रकट करने की दायित्व देखिए नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर निर्धारक या नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे व्यक्ति से जानकारी देने के लिए जानकारी देने के लिए बाध्य कर सकता है जिसे तो प्रमाणित होता है देखिए नगर पालिका जो है मान लीजिए आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं और नगर पालिका ने आदेश दिया ठीक है आदेश दिया या तो नगर पालिका आदेश देगी मुख्य नगर पालिका अधिकारी आदेश देगा कर निर्धारक नगर पालिका के द्वारा प्राधिकरण अधिकारी कोई भी जो है वो नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है ठीक है भाई आप ये जानकारी दे दीजिए तो आपको देनी पड़ेगी जानकारी आप बाध्य हैं उसके लिए है ना आप क्या है बाध्य हैं उसके लिए और जो तो जानकारी दी जाएगी उससे आगे का प्रूफ क्या होता है ये कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये तो है सीएमओ चीफ म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर ये आपके घर पर आया है ना या फिर आपको म्युनिसपालिटी में बुलाया कि भाई आप फलाना फलाना जानकारी दो अपने पिताजी का नाम लिख के दो अपना ये नाम लिख के दो बताइए आपके आपका घर जो है कितना बड़ा है आप लोगों ने ये टैक्स जमा कराया कि नहीं कराया मतलब जो भी वो जानकारी लेना चाहे वो जानकारी उसको देनी पड़ेगी ठीक है अच्छा अब जो जानकारी दी जाएगी उससे आखिरकार प्रूफ क्या होता है प्रूफ ये होता है कि क्या निवासी कर अधिरोपण करने के लिए उचित है कि नहीं है मतलब जिस व्यक्ति से टैक्स ले रहे हैं कि वाकई में उसी से टैक्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए समझ रहे हैं आप लोग इससे ये प्रूफ होता है फिर स्वामी का नाम और पता हम लोग प्रूफ निकाल लेंगे उससे रकम जिसका निर्धारण होना चाहिए वो सही है कि नहीं है यदि निवासी जानकारी नहीं देता है या गलत जानकारी देता है तो उस पर एक तक जुर्माना हो सकेगा बोलिए गलत जानकारी देने पर एक हजार का जुर्माना ये समझ में आ गया ना आप लोगों को धारा एक सौ छब्बीस समझ में आई कि नहीं आई दायित्व तो प्रकट करने की बाध्यता दायित्व तो मतलब नगर पालिका या नगर पालिका के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अगर आपसे कोई जानकारी मांगता है तो आपको जानकारी देने के लिए वो बाध्य कर सकता है कि आपको जानकारी देनी पड़ेगी जो आपने जानकारी दे दी है इसका मीन्स ये है इसका प्रूफ यानी उससे साबित क्या होता है आपका नाम आपका पता इसके साथ में ही टैक्स देने वाला व्यक्ति सही है कि नहीं है जो टैक्स उस पर लगाया गया है वो सही है कि नहीं है तमाम जानकारी ठीक है अगर वो जानकारी नहीं देता है या गलत जानकारी देता है तो उस पर एक हजार जुर्माना लगेगा बोलिए समझ में आ गया बोला तो बोला क्या बोलिए मयूर पुरोहित उषा वर्मा आरती शर्मा अनुपम श्रीकांत नितेश शर्मा ममता सिंह अभी विदाउट म्यूजिक वी एस एन बोलिए ठीक है समझ में आ गया देखिए जुर्माने आप लोग याद मत कीजिए जहां जहां सजा का प्रावधान है वहां वहां जुर्माने याद कीजिए बोलिए ठीक है infinity, ओके देखिए धारा एक देखिए कर को वसूल करने का कर्तव्य है ठीक है कर को वसूल करने का कर्तव्य तो कर को वसूल करने का अधिकार देखिए अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी धारा एक सौ के अधीन जो है वो कर को वसूल कर सकता है ठीक है बोलिए ओके क्लियर है ठीक है कर को वसूल करने का कर्तव्य है अब देखिए धारा एक क्या करी है कर को वसूल करने का कर्तव्य किसके पास में इजी है सीएमओ के पास में चीफ म्यूनिसपैलिटी ऑफिसर हमेशा इस चीज़ की देखरेख करेगा कि, कि किसी व्यक्ति ने कर जमा कराया कि नहीं कराया और ये अधिकारी आप लोग बनने वाले हैं आप लोगों ने शायद आप में से तमाम विद्यार्थी इस पोस्ट को हल्के में ले रहे हैं और इस तैयारी को भी हल्के में ले रहे हैं अगले एक महीने काम कीजिए अपने दिमाग को कंसनट्रेट कीजिए जो आपसे कमेंट बॉक्स में कहा जा रहा है कि आंसर कीजिए वही आप लोग आंसर कीजिए फालतू कमेंट ये बताते हैं कि आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं अपनी तैयारी के ऊपर आपका दिमाग दस जगह डाइवर्ट कर रहा है पहली बात ये सच्चाई है आप लोगों के लिए ठीक है दूसरी बात इस पोस्ट को आप लोग हल्के में मत लीजिए नगर पालिका का राजा होता है मतलब ये मान के चलिए कि जितना भी पैसा आता है ना पैसा वो सब इस अधिकारी के पास में होता है जिस पोस्ट के लिए आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं आर एस अलाइड के अंदर मेरे कम से कम 20 जानकार ऐसे हैं जो कि इस पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं ये रियलिटिव बता रहा हूं कोई फलाना इंस्पेक्टर लगा हुआ है कोई इसमें कहीं पे लगा हुआ है वो जो व्यक्ति हैं उनमें से बहुत सारे लोग आर एस आर में लगे हुए विद्यार्थी जो हैं यानी कि जो फ्रेंड वगैरह हैं वो भी इस एग्जाम को देने जा रहे हैं आप सोचिए कि जब वही दे रहे हैं तो यार आप लोग अपने मौके क्यों गवाते हैं आप लोग ठीक है चलिए ओके आगे देखिए धारा एक करके बिल का प्रस्तुत किया जाना कर का बिल क्या होता है पहले ये देखिए कर का बिल होता क्या है बिल का मीन समझिए सबसे पहले तो कि बिल क्या है मान लीजिए कि मैंने आपसे सौ रुपए मांगे कि भरत मीना जो है वो मुझे सौ रुपए देंगे है ना भरत मीना मुझे सौ रुपए देंगे भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं सर मेरे पास में सौ रुपए नहीं है मेरे पास में अभी केवल अस्सी रुपए ही है तो मैंने कहा कि ठीक है बीस रुपए आप बाद में जमा करवा देना मैं बीस रुपए का बिल बना देता हूं ओके okay. तो आपसे जो पैसा लिया जाना है आपने वो पूरा पैसा जमा नहीं कराया बकाया के रूप में जो राशि बच गई है उसका बिल आपको बिल जो है वो आपको दिया जाएगा अब आपको जमा कराना पड़ेगा <laughs> बोलिए मिट्टू अंकिता जोशी बिल्कुल देखिए अब इधर नगर पालिका यथासम्भव शीघ्र दाई व्यक्ति का बकाया के रूप में राशि का बिल प्रस्तुत करेगी समझ गए अब तो बोलो समझ गए जो भी आपसे पैसा वसूल किया जाना है है ना भरत भरत जी जी सुन सुन रहे हैं। बरजी सुन रहे हैं हैं आप मुझे सौ रुपए देंगे पूरे देंगे अस्सी देने से काम नहीं चलेगा है ना नहीं तो बीस का जो है बिल बना दिया जाएगा समझ गया आप लोग जो भी बकाया होता है उसका बिल बना दिया जाता है धारा एक देखिए बिल की विषय वस्तु बिल की विषय वस्तु मतलब बिल के अंदर क्या क्या शामिल होगा बिल में क्या क्या शामिल होगा बिल के अंदर कौन कौन से शामिल होगा क्या क्या वहां पर सूचनाएं होंगी ठीक है बिल के अंदर कौन कौन सी सूचनाओं का उल्लेख किया जाएगा सबसे पहले समय की अवधि बताइए कितने समय में जमा करवाएंगे कह रहे हैं कि जी सर ठीक है <laughs> आगे देखिए <laughs> समय की अवधि भाई कितने समय में आप जो है उस बिल का भुगतान करेंगे संपत्ति का विवरण उसके अंदर सूचना के रूप में होगा अपील करने की अवधि मान लीजिए अपील आप लोग करते हैं ठीक है अपील करने की अवधि मतलब अगर मान लीजिए कि उस बिल के परिप्रेक्ष में आपकी कोई अपील है तो आप तीस दिन में उसकी अपील कर दीजिए बिल ये जो है अपील की अवधि होती है ठीक है चलिए क्लियर है आगे देखिए धारा एक मांग का नोटिस वेरी इंपॉर्टेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग इसको स्टार जब मैं मैराथन क्लासेस को कंप्लीट कर लूंगा फिर आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण धाराएं में याद करवाऊंगा है ना महत्वपूर्ण धाराएं में याद करवाऊंगा 101 ले लेना सर चलिए बहुत बढ़िया भाई ये एग्जाम हो जाएगा ना एग्जाम हो जाएगा एग्जाम होने के बाद आप तमाम विद्यार्थियों को मैं जयपुर के अंदर आमंत्रित करूंगा है ना एग्जाम होने के बाद मैं तमाम विद्यार्थियों को जयपुर के अंदर आमंत्रित करूंगा और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम लोग ये पूरा जो है एक कलोबरेशन uh, रखेंगे मतलब आप सभी को यहां पे बुलाया जाएगा आमंत्रित किया जाएगा आप लोगों ने सवामणी का नाम सुना होगा राजस्थान के अंदर सवामणी है ना का नाम सुना है आपको बैठा कर जिमा जाएगा मस्त तरीके से बस आप लोग सफल हो जाइए एक बार और चिंता मत करिए पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा आप लोगों के लिए बस आप लोग जो है सफल होकर दिखाइए मुझे ठीक है चलिए मांग का नोटिस क्या है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिमांड नोटिस डिमांड नोटिस अब देखिए डिमांड नोटिस होता क्या है डिमांड इसके अंदर एक शब्द है डिमांड मतलब मांग मांग करने वाला व्यक्ति कौन है नगर ध्यान रखिए मांग करने वाला व्यक्ति कौन है नगर किससे मांग की जा रही है व्यक्ति से मांग की जा रही है अब देखिए यदि पंद्रह दिन में व्यक्ति बिल का भुगतान नगर पालिका कार्यालय में नहीं करता है तो उस व्यक्ति को मांग का नोटिस दे दिया जाएगा चौथी चौथी अनुसूची के अनुरूप तो चौथी अनुसूची में क्या है मांग का नोटिस है मांगने वाला कौन है नगर पालिका देने वाला कौन है व्यक्ति तो व्यक्ति से मांगा जाएगा वो बिल कि भाई दे दे नोटिस भिजवा दिया जाएगा उसके घर पे उसके घर पे नोटिस भिजवाएंगे कि भाई ठीक है ये पैसा जो है वो नगर पालिका के अंदर जमा कराओ ठीक है ओके वेरी कराओके समझ गए बिल तो क्या था अब इस वारंट शब्द को समझिए ये। ये क्या है वारंट क्या होता है बेसिकली वो समझिए तो वारंट होता है जैसे पुलिस वाले आपके खिलाफ वारंट जारी करते हैं वारंट जारी करते हैं है ना तो वारंट में ये होता है कि आप लोगों के लिए कोई आदेश था आप लोगों ने उसकी पालना नहीं की और पुलिस वाले आपके घर पे आएंगे हैंड्स अप अटेंशन अरेस्ट कर लीजिए इस आदमी को है ना चलिए तो बेसिकली क्या है वारंट तब जारी किया जाता है जब कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन आपको दिए गए हैं निर्देश दिए गए हैं आपने उसकी पालना नहीं की बिल का भुगतान नहीं किया डिमांड नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपके खिलाफ वारंट जारी होगा ठीक है यदि धारा 130 के अधीन मांग नोटिस की तामील 15 दिन में नहीं हो तो नोटिस में मांगी गई राशि जमा करा दो सबसे पहले तो कारण बताओ नोटिस है ना कारण बताओ नोटिस जो है वो आपको दिया जाएगा बोलिए ओके ठीक है चलिए अब देखिए आगे क्या है ये क्या समय आ गया है एक जमाना गुरुद्राचार्य का था और आज यूट्यूब वाले सर मेरा कोर्स ले लो मेरा कोर्स ले लो बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया तो ले लो भाई जमाना बदल गया है तो जमाने बदले जमाने के अनुसार चलिए है ना जब जमाना बदल ही गया आपको पता ही है जमाना बदल गया है तो ले लो कोर्स फिर ठीक है चलिए ऐसा ना करने पर मतलब अब आपने जमा वारंट जो है जमा नहीं करवाया कुछ भी नहीं करवाया आपने बिल का भुगतान नहीं किया ऐसा ना करने पर चल संपत्ति चल संपत्ति के मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अचल संपत्ति के मामले में नगर पालिका संपत्ति की कुर्की को लेकर वारंट जारी करेगी भाई संपत्ति कुर्क कर दो उसने बिल का भुगतान नहीं किया संपत्ति कुर्क कर दो चल संपत्ति आप इसको ऐसे याद रखिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्या मिलती है तनख्वाह मिलती है सैलरी मिलती है सैलरी मिलती है और सैलरी कैसे मिलती है पैसों के अंदर तो पैसे हम लोग किसमें काउंट करते हैं चल संपत्ति के अंदर चल संपत्ति पर कुर्की के लिए वारंट जारी करेगा मुख्य नगर अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी और जो अचल संपत्ति है उसके लेकर नगर पालिका वारंट जारी करवाएगी ठीक है अब लिखा हुआ है अवधि तीन वर्ष तीन वर्ष के अंदर अंदर ये कुर्की जो है वो क्या हो जाएगा <laughs> चलिए <laughs> बोलिए राहुल सिंह भरतपुर से राम राम सर जी बिल्कुल राम राम चलिए समझ में आ गया आप लोगों को क्या कह रहा है कि चल संपत्ति के मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अचल संपत्ति के मामले में कुर्की के लिए वारंट जो है वो कौन जारी करेगा नगर पालिका ये जो अवधि है वारंट जारी करने की ये तीन साल के अंदर अंदर ही काम होना चाहिए जारी करता कौन है वारंट को जारी करता कौन है मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोई कार्यवाही ना हो तो वारंट जारी किया जाएगा समझ गए आप लोग कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है मतलब वो व्यक्ति जो है बिल का भुगतान नहीं कर रहा है है ना एक मारवाड़ी में कहावत है ना हूं न ना पावस है ना एक मारवाड़ी में कहावत है ना हूं ना पावस है तो वो जो व्यक्ति है जिसका बिल का भुगतान किया जाना है वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा है है ना ठीक है इस तरीके से ओके संबोधन अन्य नगर पालिका अधिकारी को भाई देखिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी तो वारंट जारी करने वाला है ठीक है मुख्य नगर पालिका अधिकारी तो वारंट जारी करने वाला है ठीक है अब किसको करेगा हो सकता है कि दूसरे नगर पालिका क्षेत्र में हो तो या फिर उसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई दूसरा अधिकारी उसको बोलेगा कि यार फलाना व्यक्ति से टैक्स लेके आना है बिल लेके आना है तो अन्य जो नगर पालिका अधिकारी है अन्य नगर पालिका जो अधिकारी है उसको संबोधित किया जाएगा मतलब वारंट जो है संबोधित करते हैं भाई फलाना व्यक्ति से यह लेना है ना समझ में आ गया बिल्कुल आज पूरा अध्याय होगा नगर पालिका के बाहर जो नगर पालिका ना हो नगर पालिका के बाहर जो नगर पालिका ना हो उस परिस्थिति में वारंट को मुख्य नगर पालिका अधिकारी तहसीलदार को संबोधित किया जाएगा समझ गया आप लोग वारंट के अंदर लिखते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है उसका दायित्व होगा कि इससे बिल का जो है वो क्या करे भुगतान करवाए अब वो किसको दिया जाएगा नगर पालिका अधिकारी को या फिर तहसीलदार को उसको संबोधित करते हैं ठीक है बोलिए बताइए क्लियर है 132 पर चलें इतना क्लियर है आप लोगों को सर धारा 200 से 240 के मॉडल टेस्ट का वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है मॉडल टेस्ट का मिलना चाहिए यार बताइए <laughs> मोहित गुजर कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छे हैं सर के घरवाले भी बहुत आदर करते हैं सर के साथ कुछ पल जो है बिता चुके हैं और सर के साथ भोजन भी जो है वो मोहित गुजर कर चुके हैं बिल्कुल मोहित गुजर जो है वो ऑलरेडी uh, खाना वाना खा चुके हैं घर पे जो है आ चुके हैं मोहित गुजर और बहुत दूर से मिलने के लिए आए थे अलवर से मिलने के लिए आए थे कि uh, वाकई में सर बताइए तैयारी कैसे करें इस चीज़ को इस कंसर्न को लेकर जो है मिलने के लिए आए थे तो मोहित गुजर जो है बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं अपने जीवन में ज़रूर कुछ करेंगे सर एक कुर्की में गया वहां ढोल नगाड़े बजाए गए और तीन जगह नोटिस चिपकाया था हाँ बिल्कुल ठीक बात है ओके अब देखिए क्या कह रहा है धारा एक में देखिए वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश वारंट किसके लिए जारी किया गया था वारंट जारी किया गया था संपत्ति की कुर्की के लिए किस लिए जारी किया गया था संपत्ति की कुर्की के लिए अब मान लीजिए कि आपके घर पर आ गए हैं संपत्ति कुर्क करने के लिए आप क्या करेंगे दरवाजे बंद कर लेंगे है ना दरवाजे बंद कर लेंगे भाई आने नहीं देंगे उनको सारे लॉक लगा देंगे लेकिन अब कैसे प्रवेश करेगा वो देखिए वो जो है सिंगम बन के आएगा दया बन के आएगा क्या बन के आएगा सीआईडी वाला दया बन के आएगा और वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश करेगा धारा एक के अधीन वारंट संबोधित किया गया है वह सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में बलपूर्वक संपत्ति में जो है दरवाजा या खिड़की तोड़कर ठीक समझ गया आप लोग सी के दया की तरह दरवाजा या खिड़की तोड़कर जो है वो प्रवेश कर जाएगा तीश पाटीदार पाँच सौ एम सी के वाली पी डी एफ जो है वो डाल दी गई है अभी बस सेशन लेने के बाद या फिर मॉर्निंग में एक छोटा सा मैं वीडियो बनाकर उसको जो है अपलोड कर दूंगा ऑलरेडी तैयार हो चुकी है ना बस उसको देख रहे थे कौन कौन से आंसर सही है मैं चेक कर रहा था अभी उसको कितने आंसर सही हैं कितने गलत हैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहा था तो लगभग लगभग सारे सही थे है ना कहीं कोई गलती नहीं थी ओके समझ गए आप लोग आगे देखिए महिलाओं के लिए काम आने वाले कमरे में अधिकारी तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि तीन घंटे पहले नोटिस ना दे दे या महिलाओं को हटने का अवसर ना दे दे समझिए आप लोग तो दया जब दरवाजा या खिड़की तोड़कर आएगा वो महिलाओं और बच्चों को तीन घंटे पहले ही नोटिस दे, दे देगा है ना कि भाई हट जाओ ठीक है चलिए आगे देखिए धारा एक सौ तैंतीस ये इंपॉर्टेंट है धारा एक सौ इंपॉर्टेंट है वारंट निष्पादित करने की विधि क्या होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए। धारा एक सौ इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके अजय ओला एंटरप्रेन्योर लोकेश बोलिए जी सर ताला लगा देंगे <laughs> अच्छा धारा एक के अधीन रहते हुए व्यक्ति की चल अचल संपत्ति कुर्की की जा सकेगी परंतु निम्नलिखित संपत्ति कुर्क नहीं होगी क्या और बच्चों के पहनने के कपड़े और बिस्तर भोजन पकाने के बर्तन शिल्पियों के औजार कृषक बीज वा उपकरण वारंट में लिखित रकम के अनुपात में वसूल की जाएगी अत्यधिक नहीं ठीक है इन सामानों को हम लोग कुर, कुर्की में शामिल नहीं करेंगे ये बेसिक रोज जो है रोजमर्रा की वस्तुएं हैं और वारंट में लिखित वारंट के अंदर जो पैसा लिखा गया है वही आपसे वसूल किया जाएगा ज्यादा नहीं तो संपत्ति को हम लोग उतना ही कुर्क करेंगे जितना उससे पैसा वसूल हो सकता है ज्यादा नहीं करेंगे है ना आगे देखिए चल संपत्ति कुर्क करने पर तुरंत इसकी सूची बनाकर और ऐसी संपत्ति की कुर्की करने से पूर्व लिखित नोटिस देना होगा ध्यान रखिए जो भी चल संपत्ति अब चल संपत्ति की कुर्की कुर्की के लिए वारंट कौन जारी करता है सीएमओ ठीक है सीएमओ चल संपत्ति की कुर्की के लिए वारंट जारी करेगा और जो भी चल संपत्ति वहां पर मिल रही है जितना पैसा मिल रहा है सोना चांदी इतना जो मिल रहा है उसकी पूरी लिस्टिंग की जाएगी है ना भाई पांच किलो सोना मिला एक करोड़ रुपए मिले है ना आपके घर पे मिलेंगे नहीं मुझे पता है अगर आपके घर पे इतने पैसे पड़े हो सरकारी नौकरी तैयारी नहीं करते आप लोग ठीक है तो इसकी सूची बनाई जाएगी और ऐसी परंपरागत तो उसकी उद्घोषणा करती करनी होगी धारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है।, है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो ढोल गुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ठीक है तो बहुत सारे जो है लोग इस सुंदरकांड की चौपाई का गलत मतलब निकाल लेते हैं ना ठीक है तो ढोल बजाते हुए परंपरागत तरीके से उद्घोषणा की जाएगी आदेश की एक प्रति कॉपी नगर पालिका कार्यालय के बाहर चिपकाई जाएगी यदि संपत्ति राज्य सरकार के अंतर्गत है तो कलेक्टर कार्यालय में चिपकाई जाएगी ठीक है अगर राज्य सरकार की संपत्ति है तो कलेक्टर के क्योंकि कलेक्टर जो है वो किसका अधिकारी है राज्य सरकार का अधिकारी है ओके चलिए तो दो एक हो गया एक कॉपी नगर कार्यालय के बाहर और अगर संपत्ति राज्य सरकार की है तो कलेक्टर के कार्यालय के बाहर भी चिपका देंगे एक ठीक <laughs> है चलिए के पारा सर कह रहे हैं कि अब नींद आ रही है ठीक है तो जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं जब नींद आना हो जाए नींद लगे कि नींद आ रही है फिर आधे घंटा और पढ़िए मैंने सुबह क्या क्या था सुबह कहा था आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है जो व्यक्ति इनको आंखों खोल के रखेगा जीतेगा है ना चलिए आगे देखिए धारा सौ क्या कहती है कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय है अब संपत्ति कुर्क के लिए वारंट जारी कर रहा है सीएमओ और नगर पालिका चल संपत्ति के मामले में सीएमओ और अचल संपत्ति के मामले में वारंट कौन जारी कर रहा है नगर पालिका अब वारंट जारी हो गया है फिर भी आपने कुछ नहीं किया संपत्ति कुर्क कर लेंगे कुर्क की गई संपत्ति को अब बेच के पैसा वसूल करेंगे ठीक है बेचेंगे उस संपत्ति को है ना ठीक है जब कुर्क की गई संपत्ति शीघ्र क्षयशील हो हो रही हो तो नगर पालिका अधिकारी उस संपत्ति को तुरंत विक्रय करेगा जब तक कि उस अनुपात में रकम वसूल न की जाए तो कह रहा है कि जब कुर्क की गई संपत्ति शीघ्र क्षयशील हो रही हो मतलब समाप्त हो रही हो मान लीजिए नोट है है ना गल रहे हैं बीत रहे हैं ठीक है, है खराब हो रहे हैं तो फिर क्या किया जाएगा कोई संपत्ति ऐसी है मान लीजिए कुछ है संपत्ति जो कि शीघ्र जो है समाप्त हो रही है तो उसको शीघ्र ही क्या किया जाएगा उसको नीलाम किया जाएगा वस्तु को बेच दिया जाएगा यदि संपत्ति तुरंत विक्रय नहीं की गई है तो उसे लोक नीलामी के द्वारा विक्रय किया जाएगा विक्रय करने के पश्चात कोई अधिशेष है तो तुरंत नगर पालिका निधि में जमा कर दिया जाएगा समझिए आप लोग मान लीजिए संपत्ति थी आपकी एक करोड़ की नगर पालिका को वसूल करने थे पचास लाख तो बच कितने गए पचास लाख बच गए तो पचास लाख जो बच गए हैं वो नगर पालिका निधि में जमा कर दिया जाएगा ठीक है कि भाई ये बचा हुआ रकम है ठीक है तो कह रहा है कि विक्रय करने के पश्चात कोई अधिशेष है तो उसे तुरंत नगर निधि में जमा कर दिया जाएगा भाई वैसे तो वो पचास लाख रुपए नगर पालिका की संपत्ति नहीं थी लेकिन ये है कि अगर यदि व्यक्ति वर्ष में लिखित आवेदन के साथ दावा करता है तो वह संपत्ति उसकी हो जाएगी अन्यथा नगर पालिका संपत्ति में जमा हो जाएगी सुनिए इसको क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि एक करोड़ रुपए जो है कि वो संपत्ति आपकी है ये तो है संपत्ति की रकम इतनी की संपत्ति है नगर पालिका को केवल सत्तर लाख वसूल करने थे बाकी कितने बच गए तीस लाख बच गए तीस लाख नगर पालिका निधि में जमा हो जाएंगे और अगर एक वर्ष के अंदर वो व्यक्ति आता है बोला यार कम से कम तीस लाख तो दे दो भाई तुमने हमारी संपत्ति ले ली कुर्क कर दिया बेच दिया नीलाम कर दिया बाकी सब ठीक है लेकिन उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा है वो तो दे दो बोला ठीक है तो एक साल के अंदर अंदर आया है ये संपत्ति ले जा तीस लाख रुपए ले जा ठीक है तो एक वर्ष के अंदर अगर वो लिखित आवेदन करता है और उस रकम का दावा करता है उसको दे दिया जाएगा ठीक है जय सिमरन जी ले अपनी जिंदगी ठीक है ओके धारा धारा देखिए विक्रय नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय जब वारंट का निष्पादन नगर पालिका के बाहर किया जाना हो वहां वारंट जारी करने वाला प्राधिकारी नगर पालिका के बाहर प्राधिकारी को संपत्ति विक्रय करने का निर्देश दे देगा मान लीजिए कि हो सकता है कि आप जिस नगर पालिका में रह रहे हैं आपकी संपत्ति उस नगर पालिका के अंदर भी है और आपकी संपत्ति दूसरे नगर पालिका में भी है ठीक है अब एक संपत्ति को बेचने से काम नहीं हुआ है तो जो दूसरी नगर पालिका के अंदर संपत्ति है उसको भी बेचा जाएगा बोलो वहां से पैसा वसूल करेंगे तो जो उस नगर पालिका के अंदर अधिकारी है उसे संपर्क साधेंगे संपर्क सूत्र जो है वो बनाएंगे कि ठीक है वहां पे जो है संपत्ति है उसको भी विक्रय करने का निर्देश दे देगा नगर पालिका बाहर प्राधिकारी को संपत्ति विक्रय करने का निर्देश दे देगा दे ठीक है बोलिए। समझ में आ गया है धारा एक सौ पैंतीस बताइए यहां तक किसी भी विद्यार्थी को समस्या हो तो बताइए सर जी अलार्म बोलिए नेहा शर्मा मयूर पुरोहित बोलिए मिट्ठू अमन कुमार अगर वहां नगर पालिका नहीं है तो तहसीलदार को हां बिल्कुल अगर वहां पर नगर पालिका नहीं है तो तहसीलदार को जो है उसको संबोधित किया जाएगा बताइए यहां तक क्लियर है आगे बढ़े कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सका है वीर के मन में ठीक है डन 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 ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ठीक है माई ट्वेंटी एट माई ट्वेंटी एट बहुत दिनों बाद वीरा सिंह आरती शर्मा मयूर पुरोहित निशा शर्मा जी के पी आचार्य नेहा माहेश्वरी नेहा माहेश्वरी नहीं है नेहा शर्मा है अनुराधा शर्मा कविता रॉबिन उथप्पा भरत मीणा वीरा सिंह कुश अवाना 133 को वापस रिपीट कर दें ठीक है 133 देखिए 133 का एक प्रश्न आया है वारंट निष्पादित करने की विधि है ये तो इजी था यार इसमें क्या है 133 क्या था कि 131 के अधीन रहते हुए व्यक्ति चल असल संपत्ति परंतु निम्न की संपत्ति कुर्क नहीं हो सकती ये संपत्ति कुर्क नहीं कर सकते जितनी आपको वसूल किया नहीं रकम उतनी संपत्ति जो है आप कुर्क कीजिए ज्यादा नहीं कर सकते ठीक है चल संपत्ति के मामले में सीएमओ जो है वो तमाम कुर्क की गई संपत्ति की सूची बनाएगा फिर इसकी जो है वो क्या करेगा और उसके बाद में लिखित नोटिस देगा अब देखिए स्थावर संपत्ति है तो ढोर बजाते हुए परंपरागत तरीके से उसकी उद्घोषणा की जाएगी डम 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 फलाना व्यक्ति की संपत्ति कुर्क हो रही है भाई इससे क्या है दूसरे व्यक्ति भयभीत हो जाएंगे कि यार कल को हमने भी जमा नहीं कराया तो फिर हमारी संपत्ति कुर्क हो सकती है कहते हैं कि अगर सो सो जो कौवे हैं इनको सुधारना है तो एक कौवे को मारकर टांग दो है ना एक कौवे को मारकर टांग दो बाकी निन्यानवे अपने आप सुधर जाएंगे ठीक है इस तरीके से हो जाएगा ओके धारा 136 देखिए 135 आ गया क्या आपको 136 देखिए अब चार धाराएं आप लोगों को और करनी है चलिए क्लियर कैलाश गुजर कह रहे हैं मैं भी हूं बिल्कुल कैलाश गुजर आप भी हैं आगे देखिए अब उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जा सकेगी जो नगर पालिका छोड़ने ही वाले हैं मतलब पहले उसको पकड़ो जाने वाला है समझ गए आप लोग

चलिए हितेश पाटीदार कह रहे हैं कि चार सौ एमसीक्यू वाली पीडीएफ अच्छी है ठीक है तो कल जो है सुबह ही मैं दे दूंगा तो है ना सुबह ही आपको एक पीडीएफ में दे देने जा रहा हूं तो वो पीडीएफ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा है ना आपको किसी किताब को खरीदने की जरूरत ही नहीं है मैं कह रहा हूं कि किताब से भी जबरदस्त है वो ऐसी मार्केट में किताब भी आपको नहीं मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैटर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं ठीक है चलिए भाई आप तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए नहीं लेंगे टेस्ट सीरीज इतनी सारी चीजें मैंने आपको फ्री में भाई आपके किताब के पैसे बचे मैंने बचा लिए नहीं कि मार्केट में जाते दो सौ रुपए की किताब खरीदते आप लोग अब देखिए समझ में आ गया अगर कोई भी वारंट के अंदर नोटिस के अंदर कोई त्रुटि है तो फिर आप लोगों की संपत्ति जो है कुर्क करने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रक्रिया यू की यू चलती रहेंगी धारा एक देखिए समस्त संदाय के लिए रसीद दिया जाना समस्त संदाय के लिए रसीद कहते हैं रिसिप्ट दे दीजिए भाई मान लीजिए आपने पैसा जमा करा दिया नगर पालिका में आप क्या मांगेंगे भाई रिसिप्ट दे दो मेरे पास सबूत होना चाहिए इस तरीके से ठीक है दी गई रसीद में सभी प्रकार की मदों का उल्लेख होगा सभी प्रकार की मदें मतलब सभी प्रकार की मदे मतलब जो भी पैसा आपने जमा कराया है ये फलाना टैक्स का है ये ढिमका टैक्स का है इस तरीके से सभी मदों का जो है उल्लेख उसके अंदर हाँ बुलाती है मगर जाने का नहीं धारा एक सौ उनचालीस देखिए वाद या याचिका लगाने की शक्ति वाद या याचिका लगाने की शक्ति मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुर्की विक्रय की कार्रवाई में विफल रहने के पश्चात सक्षम व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है मान लीजिए नगर पालिका अधिकारी ने वारंट जारी कर दिया संपत्ति की कुर, कुर्की को लेकर उसने संपत्ति कुर्क भी कर ली अब क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो सामने आ गया है सामने मतलब धमकी दे रहा है कुछ भी कर रहा है संपत्ति कुर्की नहीं कर पा रहे हो सकता है कि संपत्ति उसकी थी नहीं वो तो उसने किराए पर ले रखी थी कोई भी मामला हो सकता है मतलब मुख्य नगर अधिकारी किसी भी मामले में उस संपत्ति को विक्रय नहीं कर पा रहा है अब क्या होगा अब वो कह रहा है कि अगर कार्रवाई विफल रहता है तो सक्षम व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में चल जाता है वो भाई तो फलाना व्यक्ति था हमने की संपत्ति कुर्क की थी अभी इसको बेचने नहीं दे रहा है यही संपत्ति इसकी नहीं थी ये समझौते वाली थी आदि इसकी है आदि इसके भाई की है है ना इस तरीके से कोई ना कोई विवाद है तो वो जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उस व्यक्ति के विरुद्ध कहां चल जाएगा कोर्ट के अंदर चला जाएगा बोलिए क्लियर है ठीक है आगे देखिए धारा करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व करों के लिए टैक्स के लिए भूमि और भवन पर प्रथम प्रभार होगा मतलब सबसे सबसे पहले मतलब पहले प्रथम प्रभार मतलब टैक्स किस पर लगेगा किसी भवन या भूमि पर लगेगा है ना तो करों के लिए भूमि या भवन पर, पर प्रथम प्रभार होता है सबसे पहले टैक्स यहां पर लगता है ऐसी किसी कर की कोई बकाया राशि ऐसी किसी अधिभोगी से अधिभोगी से वसूल नहीं की जाएगी जो उसका स्वामी ना हो मतलब

क्लियर है अच्छा अब मैं आप लोगों से कुछ धाराएं पूछता हूं आप लोग जवाब देना कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है आज हमने धाराएं जो पढ़ी हैं आज हमने धाराएं जो पढ़ी हैं वो धारा 101 से लेकर 140 तक पड़ी है ठीक है अब मैं आप लोगों से कुछ धाराएं पूछता हूं आप उन धाराओं का जवाब देना आप उन धाराओं का जवाब देना चलिए सबसे पहले बताइए धारा एक देखते हैं सबसे पहले बताइए धारा 110 सबसे पहले धारा 110 बताइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए आप, तो आप लोगों के जो मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को वो समझ में तो आता है ना आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है बोलिए करों में चेंज टैक्स में परिवर्तन बहुत अच्छा करों में परिवर्तन धारक सदस्य क्या है करों में परिवर्तन वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा टैक्स में परिवर्तन अंकिता जोशी बहुत अच्छा अनुराधा शर्मा मोहित गुजर ठीक है बहुत अच्छा शर्मा जी नेहा शर्मा कविता अभी विदाउट म्यूजिक मोनिका यादव सोहन लाल ठीक है मुकेश यादव निशा यस सर नो प्रॉब्लम ठीक है एक सौ एक सौ दस याद हो गया ठीक है अब मुझे आप लोग बताइए धारा एक सौ सात धारा एक सौ सात बताइए भाई पहले हम लोग एक से लेकर एक सौ दस तक देख लेते हैं ना धारा एक सौ सात बताइए प्रद्युमन राणावत बिल्कुल करो में परिवर्तन वेरी गुड टैक्स में चेंज मुकेश यादव हितेश पाटीदार वेरी गुड बबीता वर्मा दलवीर सिंह मुकेश यादव भरत मीना अमन कुमार विनय चौहान वेरी गुड धारा एक सौ सात बताइए एक सौ सात धारा एक सौ सात धारा एक सौ सात अंकिता जोशी वेरी गुड रजनी सोनकरा अजय ओला अमन कुमार मयूर पुरोहित सुम्मी सिंह करार ओपन में छूट है ना क्या है करार ओपन में छूट है चलिए और पूछते हैं आप लोगों से आप लोग बताइए ठीक है ये बता दोगे आप लोग वही इजी इजी तो बता दोगे आप लोग एक साथ बता दोगे एक सौ नौ और जो हो जाएगा एक सौ आठ हो जाएगा एक सौ नौ हो जाएगा जा एक सौ ग्यारह हाँ आप बताइए धारा एक सौ बारह धारा एक सौ बारह धारा एक सौ तो बारह बताइए धारा एक सौ 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 बारह धारा एक सौ बारह कर स्थगन समाप्त नगर पालिका की शक्ति हाँ बिल्कुल जो कर को कोई स्थगित करता है समाप्त करता है उसमें नगर पालिका की शक्ति वेरी गुड तो 112 और 111 दोनों आप लोग को याद रखने हैं ना 111 में तो क्या है राज्य सरकार की शक्ति है और 112 में किसकी है नगर पालिका की शक्ति है अगर वो किसी टैक्स को समाप्त या कर कम जो है वो करना चाहती है ठीक है चलिए इतना बढ़ गया आप लोग आगे बढ़िए अब धारा एक बताइए धारा वन वन सेवन एक सौ सत्रह धारा एक सौ सत्रह बोलिए एक सौ सत्रह बताइए आप धारा वन वन सेवन बताइए धारा वन वन सेवन वन वन सेवन वन वन सेवन जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए सूचना का प्रारूप वेरी गुड सूचना का प्रारूप किसमें है धारा एक सौ सत्रह के अंदर है चलिए हम लोग बात करते हैं अब धारा Uh, और इम्पोर्टेंट कौन सी है 121 भी इंपॉर्टेंट है 121 बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 121 बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 121 सौ है बोलो 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 भाई बोलो देखें आप धारा और इंपॉर्टेंट कौन सी है 121 भी इंपॉर्टेंट है 121 बताइए धारा 121 भरत मीना एक सूचना का प्रारूप अनुसू जी दो तीन वेरी गुड भरत मीना बहुत अच्छा एक कराधान की अपीलें बहुत बढ़िया मतलब बहुत अच्छा कराधान संबंधित अपीले किसमें है एक के अंदर है उसके बाद में अब 130 भी इंपोर्टेंट है ना 130 देखिए देखिए कितना आपको याद होता है है ना धारा <laughs> 130 बताइए कितना आपको याद होता है मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट धारा का जिक्र कर रहा हूँ बाकी आप लोग देखते रहना फिर उसमें ठीक है कराधान संबंधित अपीलें हाँ बिल्कुल अपील 121 मुकेश यादव मोनिका यादव प्रदीप कुमार स्वामी हितेश पाटीदार माही 28 मुकेश यादव नेहा शर्मा सोहन लाल प्रदीप कुमार मीणा निकिता निकिता प्रजापत राधुलाल वेरी गुड बोलो भाई बोलो मांग का नोटिस धारक 130 में क्या है मांग का नोटिस है धारक 130 में क्या है मांग का नोटिस है चलिए तो ये जो है बहुत है इतनी धाराएं आज के लिए तो आज हमने मैराथन सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है आप लोगों के लिए वीडियो कोर्स डिजाइन किए गए हैं आप लोग जो है कोई भी वीडियो कोर्स ले सकते हैं अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए लेकिन जो टेस्ट सीरीज है ना वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी जो पार्ट ए प्लस बी की टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग जहां से भी क्वेश्चन मिले आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कोई किताब ले लीजिए मैं आप लोगों को जो है एक हज़ार एम की पीडीएफ आ रही है वो आप लोग ले लीजिए है ना वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका कोई चार्ज ही नहीं है बोली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही है ना तो आप टेस्ट सीरीज जो है जरूर लीजिए प्रैक्टिस कीजिए के अंदर पूरी पूरी की पूरी पार्ट, B की पार्ट ए प्लस बी टेस्ट सीरीज है पार्ट बी की टेस्ट सीरीज आप लोग अलग से ले सकते हैं पार्ट बी की फुल जो है लेंथ टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है ठीक है नहीं इंपॉर्टेंट जो है धाराएं मैं करवाऊंगा आप लोगों को एक बार मैं मैराथन सेशन कंप्लीट करा दो फिर मैं आप लोगों को एक एक लोग इंपॉर्टेंट जो जो है उनको याद करवाऊंगा ठीक है अनुसूची की जानकारी दीजिए एंटरप्रनर हमने ऑलरेडी अनुसूची के लिए के सेपरेट वीडियो बना रखा है ठीक है ठीक है चलिए टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी पांच सौ एमसीक्यू की पीडीएफ के साथ में व्याख्या सहित पीडीएफ है ठीक है व्याख्या सहित आप लोगों के लिए पीडीएफ है आप लोग उसको जरूर देखेगा ठीक है गजर मतलब इस बार जो है ये पीडीएफ पिछली बार वाली से दस गुना ज्यादा अच्छी आ रही है दस गुना ज्यादा अच्छी आ रही है, है ना इतनी इसकी अहमियत है इस पीडीएफ को कर लिया तो आपकी लाइफ जिंगल आला है ना टाटा स्काई लगा डाला तो आपकी लाइफ जो है जिंगल ठीक है ठीक <laughs> है ओके चलिए तो मुलाकात होगी आप लोगों से कल दोपहर में दो बजे कल दोपहर में दो बजे वाली क्लास जो है उसमें विधानसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करने वाले हैं कल दोपहर में दो बजे वाली क्लास आप लोग जरूर लेना और कल शाम को दस बजे वाली क्लास में इससे आगे की मैराथन क्लास हम लोग लेंगे ठीक है चलिए तो मिलते हैं कल दोपहर में दो बजे तब के लिए धन्यवाद थैंक यू जय हिंद